डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूरोप चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है स्टेट डांसर 3D। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को यूरोप पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवीज की कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और दोस्तों आप लोग को बताएंगे ये फिल्म आपको कहाँ पे हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं इस 3D फिल्म के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की डांस वाली फिल्म है जो रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित किया गया और टीसीरीज और RD एंटरटेनमेंट के बैनर तले इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म को भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कृष्णा कुमार और लीजियल डिसूजा द्वारा निर्मित किया गया है। जी हाँ फैंस, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो सचिन जिगर, तनिष्क बागची और उनके अलावा बादशाह गुरु रांगवा द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। जो गिरिंदर सिगल और उनके अलावा हर्ट जो उपाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था फिल्म के सॉन्ग को। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले फिल्म के जितने भी गाने हैं टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था जो लंदन में आधारित जो है स्टेट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो है प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल को सुनाता है। अब दोस्तों जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो है परिस्थितियों और यहाँ पे कठोर यादों में प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह दोस्तों बता दें मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक जो है हटा दिया गया था बताया गया था। जो भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम जो है बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक जो है कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ। जो फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था यह रिपोर्ट में बताया गया है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों सह सिंह नरूला, वरुण धवन लंदन में स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्त्री डांसर के नेता बन जाते हैं जब उनके भाई इंदर पुरवा नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं। तब इंदर की चोट के 2 साल बाद जो यहाँ पे सहज ने एक डांस स्टूडियो खरीदा जिसके दोस्तों यहाँ पे फंडिंग का सूत्र छिपा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर को इनायत जो है नाजी श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले जो प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप जो है समूह रूल जो है उनके अलावा ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों इनायत अपने जो है हिप हॉप जो है यहाँ पे जीवन शैली को अपने जो है रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाता है क्योंकि यहाँ पे इस तरह डांसर अपने जो है अत्याधिक यहाँ पे प्रयुक्त शैली के कारण जो है नियम तोड़ने वालों में से एक हार गया था। इसी तरह दोस्तों आगे देखने को मिलता है प्रतिद्वंदी टीम में राम प्रसाद यानी कि प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें वहां पे बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई हो जाती है। सभी में पुलिस द्वारा पकड़े
पकड़े नहीं जाने के लिए दो मुख्य पात्रों ने नाटक किया था कि वह प्यार में थे। यहाँ पे दोस्तों बता दे, साहेज ने अपने जो है प्रेमिका मिया को इस स्ट्रीट डांसर का यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए कहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉयल्स के लिए एक जो है डांसर है जो एक ब्रिटिश डांस टीम है जो ग्राउंड जीरो जो है प्रतियोगिता की मौजूदा जो है चैंपियन है। इसी तरह दोस्तों इस स्ट्रीट डांसर और यहाँ पे रूल, उनके अलावा रूल जो है ब्रेकर्स राम के रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने जाते हैं, वहाँ पे तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है, इसमें बेहतर इस स्ट्रीट डांसर जीत जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नृत्य युद्ध के बाद जो है इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरा में बचा हुआ खाना यहाँ पे बगैर अवैध जो है अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो है पृष्ठभूमि के बेघर जीवित रहने के लिए एक साथ जो है लड़ते हैं, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त नृत्य दल जो है राष्ट्रीय को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते रहते हैं और इस प्रतिक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर जो है पे ढोल वादकों के एक समूह को अवैध रूप से यहाँ पे इंग्लैंड लाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसका जो है मुख्य बिंदु जो है पे ढोल वादकों का यहाँ पे संदिग्ध एजेंट जो है छापरा रखा हुआ, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे सहज को 4 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया, जिसका उपयोग जो है सहज ने इस स्ट्रीट डांसर के स्टूडियो को खरीदने के लिए किया। इनायत के बारे में हम बात कर ले तो इनायत चाहती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर जो यहाँ पे अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए 1,00,000 पाउंड के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जो है जीते। इसी तरह दोस्तों सहज इंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि इस स्ट्रीट डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ जो है मिलो तो वह एक यानी कि अजय होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टीमों ने इनकार कर दिया एक होने से। इसके बाद दोस्तों एक क्लब में नृत्य युद्ध के बाद सहज और इस स्ट्रीट डांसर के 3 सदस्यों को यानी कि सुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है। राम के रेस्तरा में यहाँ पे अहंकारी सहज यहाँ पे नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करते हैं कि वह अगर यहाँ पे रॉयल के रूप में यहाँ पे अपराजय है, तो इस पर जो है राम ने खुलासा किया था कि वह नृत्य में माहिर है और यहाँ पे नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा होता है। ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद जो है सहज की मुलाकात यहाँ पे अमरिंदर से होता है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड लाने में मदद की थी। इसके बाद दोस्तों बताते यहाँ पे अमरिंदर ने खुलासा किया था कि उनके समूह को यहाँ पे छाबड़ा ने धोखा दिया था और दोस्तों अब वह बेघर जो है अवैध यानी कि अप्रवासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं जो भारत लौटने पर असमर्थ है। वह यहाँ पे साहेज से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साहेज जो है जिम्मेदारी से इनकार कर देता है वहाँ पे और दोस्तों उसे अकेला छोड़ देता है। रॉयल्स की यहाँ पे सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम जो है सड़क पर बेघर ढोल जो है वादकों का सामना करती है और उनका अपमान भी करती है। सहज अंत तक अपने जो है कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है किसी तरह और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने जो है यहाँ पे अन्याय किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा, जबकि नियम तोड़ने वाले जो है यहाँ पे खत्मे के करीब होते हैं जो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाते हैं और यहाँ पे रॉयल्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए इस स्ट्रीट डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया था। इसके साथ दोस्तों इनायत की यहाँ पे रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है भाग लेने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सहज ने उन्हें यहाँ पे अस्वस्थ किया था कि हालांकि इनायत की हिप हॉप जो है जीवन शैली और उसके जो है धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जो यहाँ पे असंगत है, लेकिन दोस्तों वह अपने जो है नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह यहाँ पे ईश्वरीय और यहाँ पे नैतिक के रूप में उचित की है। उसके पिता के बारे में हम बात कर ले तो उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें इस स्ट्रीट डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। इसके वजह से इस स्ट्रीट डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य जो है उनका संगीत बंद कर देता है, जिसकी वजह से इस स्ट्रीट डांसर को रॉयल्स से लगभग जो है हराना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ढोल वादक लाइव यहाँ पे संगीत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दोस्तों मार्क को ये पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने
संगीत निकाल लिया है और वह अपने टीम के साथी से संगीत जो है वापस रखने के लिए कहता है। इस स्ट्रीट डांसर ने रॉयल्स का सम्मान जो है अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वह ढोल वादकों और सहित जो यहाँ पे बेघर अवैध जो अप्रवासियों को घर वापस भेजते हैं, जबकि जो यहाँ पे सहज और इनायत एक रिश्ता दोनों शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस थ्री डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन की मच अवेटेड मूवी है जो आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में धवन, बाजवा और यहाँ पे खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल जो है कपूर और यहाँ पे फतेही के साथ बाकी टीम के साथ लंदन में शुरू हुआ। मुख्य भूमिका के लिए मूल जो है पसंद कैटरीना कैफ थी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत जो है बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हो गए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें जो यहाँ पे मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग 26 जुलाई 2019 को पूरी हो चुकी थी। फिल्म में वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज किया गया था और यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस थ्री डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया, जिससे जो है कुल ओपनिंग वीकेंड इस मूवीज का लगभग जो 41 करोड़ था, जो 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86 करोड़ हो गया था और विदेशों में 15 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह इस फिल्म ने किया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें पल्लवी डे यहाँ पे पूर्व किया था TNA अपडेट के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया गया था। इस थ्री डांसर 3D की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रतिद्वंदी जो है इनायत श्रद्धा कपूर और सहज जो है वरुण धवन क्रमश दो यहाँ पे पावर हाउस जो है डांस टीमों में शामिल है, रूल ब्रेकर्स और यहाँ पे इस थ्री डांसर के कप्तान है, जो एक दूसरे पर अपना जो यहाँ पे वर्चस्व यानी कि वर्चस्व यहाँ पे साबित करने के लिए दोनों गिरोह एक शीर्ष नृत्य प्रतियोगिता में भिड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन के प्रति उनके व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण में भारी बदलाव आता है। इस थ्री डांसर 3D रिव्यू के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे स्वभाव से बेहद जो यहाँ पे घमंडी इनायत जो है जानती है कि उसके पास ये दोनों है और कुछ अलग जो है करने का, जैसा उनके अलावा किलर लुक और यहाँ पे प्रभावशाली डांस मूव्स है और उसे अपने जो है यहाँ पे सदियों पुराने जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए जन्मजात जो हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। आपको बता दें यहाँ पे रास्ता परम नरम और यहाँ पे गला काट के साथ जो प्रतिस्पर्धी सहज है। हालांकि लंदन की सड़कों पर उनका एक जो है यहाँ पे सम्मानजनक प्रशंसक आधार है। ये जोड़ी बहुत गुप्त रूप से नहीं है, लेकिन आपको बता दें हमेशा एक दूसरे को कला के उस रूप में हराना चाहता है जिसके प्रति वह वास्तव में यहाँ पे भावुक है। नृत्य जो दो यानी की विरोधियों के बीच एक यहाँ पे हानि रहित जो है झगड़ों के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे कहानी दुनिया की सबसे भव्य नृत्य चुनौतियों में से एक की ओर बढ़ती है, वहीं पे आपस में कुछ जो है बड़ा रूप ले लेती है। आपको बता दें यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक डांस जो है फ्लिक होता है, जो इस थ्री डांसर 3D कुशल नर्तकों के एक समूह के नैतिक जो है विकास को भी दर्शाता है, जो मंच पर और यानी कि बड़े जो है नाटकीयता को ये लेता है। इसी तरह दोस्तों मुख्य जोड़ी यानी कि श्रद्धा और वरुण धवन की भव्य और यहाँ पे समान रूप से प्रभावशाली यहाँ पे प्रविष्टियों में रेमो डिसूजा की सिग्नेचर शैली की छाप छोड़ती है। अपनी तीसरी नृत्य अधिकारी जो है फिल्म को कोरियोग्राफ से लेकर निर्देशक ने यहाँ पे विभिन्न जो है नृत्य रूपों और जैज यानी कि उनके अलावा कंटेम्परेट के साथ जो है एफ्रो क्रोम पर जो है लॉकिंग एंड जो है पॉपिंग का काम किया गया, जो यहाँ पे एनिमेशन जो है टूटिंग अर्बन और यहाँ पे स्लोमे की प्रस्तुत के मामलों में अपने जो है खेल को बेहतर बनाया गया। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया भर से कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है कलाकारों को भी शामिल करने में कामयाबी हासिल की। वास्तव में दोस्तों अपने टॉप यहाँ पे नोट बड़े बाल के साथ जो है प्रचुर मात्रों में सास और यहाँ पे तूतरी ही नृत्यों के साथ जो है मियाँ के रूप में नोरा फतेही काफी आकर्षक लगती है और एक ग्लैम जो है दीवा के आकर्षक को यहाँ पे उजागर करती है, जहाँ पे श्रद्धा और वरुण धवन देसी दिल वाले इन
देसी दिल वाले एनआरआई के आकर्षक जो है प्रतिनिधित्व के अलावा इस जोड़ी ने अपनी जो है मुद्राओं और यहाँ पे समग्र नृत्य जो है गतिविधियों पर जो है लगातार कड़ी मेहनत की है और ये यहाँ पे अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली लोगों के यहाँ पे आदि सोच के घिरे हुए होने के बावजूद स्क्रीन पर दिखाई देता है ये चीजें जो वास्तविक में काफी शानदार था। इसी तरह दोस्तों बता दें पेशेवर नाटक श्रद्धा की सीमा रेखा अभिमानी जो है इनायत वरुण धवन की भावुक जो है सहजता का पूरक है, इसकी वजह से VFX भी एक अतिरिक्त जो है लाभ साबित होता है क्योंकि दोस्तों रेमो ने दर्शकों के लिए हर जो है समय चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए यहां पे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है। फिल्म में डांसर से अभिनेता बने यहाँ पे धर्मेश से युलांडे, पुनीत पाठक और यहाँ पे सलमान, यूसुफ खान और उनके अलावा राघव जुयाल ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं अच्छी तरह से। और इस यानी कि मुख्य पूर्वक कलाकार जो है रेस्तरा मालिक के रूप में यहाँ पे आपको बता दें प्रभु देवा का अभिनय एक जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज है जो मुकाबला का उनका नया जो यहाँ पे संस्करण पुरानी यादों को ताजा करने में है और देखने लायक बनाता है। हालांकि दोस्तों जो चीज जो है कथा के पक्ष में नहीं है वह यहाँ पे लंबाई इसे 20 मिनट तक जो है कम किया जाना चाहिए था और ये इस थ्री डांसर 3D में डांस सहित जो यहाँ पे मायने में केंद्र में है। लेकिन दोस्तों बता दें बेतरतीब लेखन को यहाँ पे नजरअंदाज करना लगभग जो यहाँ पे असंभव लगता है। एक क्लीन फिल्म एक यहाँ पे अंतर्निहित विषय के साथ जो है शुरू होती है और पूरी तरह से दूसरे के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों दर्शक अपने पहले भाग में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे भाग में निराश हो जाते हैं। सच यह है कि ये एक जो है प्रदर्शन यहाँ पे उन्मुख फिल्म है लेकिन अगर हर यहाँ पे 5 से 7 जो है मिनट के बाद से ढेर सारे गाने नृत्य अनुक्रम और यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के मजाक डाले जाते हैं तो ये इस शैली के यहाँ पे कतर प्रशंसक के लिए भी ध्यान भटका सकता है। जहाँ पे साथ ही ये फिल्म दर्शकों के एक निश्चित वर्ग की पसंद को पूरा करती है। सामान्य नृत्य प्रेमी और यहाँ पे जो यानी कि बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर स्टेट देखना पसंद करता है वह काफी शानदार है फिल्म के अंदर। स्ट्रीट डांसर 3D के पास अपने दर्शकों को देने के लिए एक मजबूत संदेश है। विपरीत जो परिस्थितियों में प्यार का उन लोगों के प्रति वरुण का जिन्होंने हम जो है जानते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है लाभ से अधिक जो है दोस्ती के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे एक जो है यहाँ पे संगठित जो है सिनेमाई ताने जो है बाने के साथ जो है जोड़ने में विफल रहे हैं। यदि कहानी के लिए नहीं तो यहाँ पे नृत्य के प्रति प्रेम के लिए इसे देखे और आगे जो है बढ़ने और आगे जो है बढ़ने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस स्त्री डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी तरह दोस्तों बता दें श्रद्धा अपने यहाँ पे संबंधित जो है नृत्य मंडलो स्त्री डांसर और यहाँ पे रूल के ब्रेकर्स के कट्टर जो प्रतिद्वंदी है वो कप्तान है उस टीम की और वो कैसे वो अपने देशों भारत और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीमों का यहाँ पे उत्साहपूर्वक जो है समर्थन करते हैं। भले ही उनमें जो है नृत्य के प्रति जो है पे जनमाता जुनून है लेकिन दुनिया की सबसे जो है बड़ी नृत्य लड़ाई ग्राउंड जीरो में एक दूसरे से आगे निकलने की निरंतर इच्छा है। कैसे उनकी दोस्ती यहाँ पे प्रतिद्वंदिता यहाँ पे पृष्ठभूमि में चली जाती है और उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर यहाँ पे नाचने का एक बड़ा यहाँ पे कारण मिलता है। यही कहानी का सार है चाहे वो कुछ भी हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे अंतर्निहित जो है देशभक्ति की भावना है। भारत और यहाँ पे पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों चरम नृत्य युद्ध में जो यहाँ पे तिरंगा का खेल जो है आपको रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट रूप से इसे जो यहाँ पे गणतंत्रता दिवस पर रिलीज के लिए उपयुक्त बनाना और यहाँ पे निर्माताओं की ओर से एक चतुर कदम था। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि ये फिल्म एक यहाँ पे दृश्यात्मक जो है तमाशा है चाहे वह यहाँ पे प्रकाश यानी व्यस्त हो या फिर ध्वनि के साथ जो डिजाइन हो उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन हो या फिर जो VFX हो आपको 3D में यहाँ पे परोसा जाता है फिल्म को। ये सब एक रोमांचक घड़ी बनाता है मूवी में। इसमें कुछ यहाँ पे आश्चर्यजनक चाले हैं जो यहाँ पे फिलिप्स है जो विश्व स्तरीय नृत्य जो प्रदर्शन काफी शानदार है और निर्देशक ने एक ही जो फिल्म में विभिन्न जो है प्रकार के नृत्य रूपों को देखना
सराहनीय बनाया है। मुख्य अभिनेताओं वरुण धवन के बारे में हम बात कर ले तो वरुण धवन और श्रद्धा को उन चालों को सही करने के लिए कुछ घंटों का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यदि अलग नहीं देखते हैं तो वह अपने बगल में खड़े जो है पेशेवर नर्तकों से मेल जरूर खाते हैं इस फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों उनकी प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों वरुण धवन की यहाँ पे भावनात्मक और यहाँ पे संतुलित जो है सहजता आपस जो है जुड़ती है, यानी कि आपस से जुड़ती है, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर का नर्तक उनके अंदर के अभिनेता पर जो है जीत हासिल करता है। अतीत में उनके द्वारा की गई कॉमेडी के विपरीत जो है वह स्त्री डांसर में अपने जो है चरित्र फिर अभिनय के साथ जो अति यहाँ पे अति नहीं करती है। दूसरी ओर श्रद्धा यहाँ पे खूबसूरत लग रही है और उन्होंने कुछ जो है कठिन डांस मूव्स और यहाँ पे फ्लिप्स क्रैक किए हैं। हालांकि यहाँ पे अभिनय के मामले में उनके जो है लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जब दोस्तों वह स्क्रीन पर होती है तो आपका जो है ध्यान उनकी ओर आकर्षित जरूर होता है। जो बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई थी वह कहा यह है कि रेमो ने अब तक जो है जितने भी यानी कि डांस रियलिटी शो जज किए हैं उनमें जो है पेशेवर जो यहाँ पे डांसर्स पर जो है किस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया वो भी देखने को मिला। वहाँ पुनीत पाठक के बारे में हम बात करें तो धर्मेश यानी कि यलांडे, सुशांत पुजारी और यहाँ पे सलमान जो है, यूसुफ खान, राघव जुयाल और यहाँ पे दुनिया भर के कुछ जो है बेहतरीन नर्तक शामिल है। उनमें से प्रत्येक कहानी का यहाँ पे अंतर्निहित हिस्सा है और जो यानी कि तो में यहाँ पे चमकती वह नोरा फतेही है जो इतनी चतुर जो है कास्टिंग कॉल करती है कि उनके नृत्य में जो सहजता दिखाया गया वो काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों रेमो को अपने खेल में आगे बढ़ने की अनुमति दिया गया जहाँ पे वह गर्मी ट्रैक वास्तव में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये सरप्राइज जो है पैकेज प्रभु देवा है जो अन्ना भगवान जाने क्यों उनके रूप में एक अलग तरह से काम किए हैं, जो पूर्व कलाकार से रेस्तरा मालिक बने, जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली ताकत बन जाते हैं। उन्हें अभिनय करते, प्रदर्शन करते और कुछ जो है बेहतरीन डांस मूव्स के साथ जो है अपना यहाँ पे मिडास टच लाते हुए देखना यहाँ पे मन भावक लगता है। और दोस्तों बता दें उनका मुकाबला 2.0 शायद जो है हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन मनोरंजन में से एक हो सकता है, जबकि शानदार नृत्य प्रदर्शन आपको बांध रखता है फिल्म में। आपका ध्यान उस जो है क्षण जो है भटक जाता है जब जो है यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है कथानक और यहाँ पे सामने आती है जो फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आप वही नृत्य देख रहे हैं जिसके लिए आपने 2 घंटे लिए हैं और अच्छे जो पैसे दिए थे। पहले कहानी में इतने जो है सारे सूत्र और उप जो है कथानक है कि अंत में ये सब जो एक यानी कि उलझी हुई कहानी के रूप में समाप्त होती है। दुर्भाग्य से इस स्त्री डांसर ऐसी शैली नहीं है जिसे जो है देखने में हर किसी को आनंद आए, लेकिन उदाहरण के लिए जिन लोगों को टीवी पर डांस जो रियलिटी शो में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है और फिल्म उन्हें पूरा नहीं करती और इसलिए ये जो है उस यानी कि अर्थ में कुछ हद तक जो है इसकी पहुंचों को सीमित करती है और फिर जो नृत्य युद्धों को देखने की केवल एक सीमा होती है फिल्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस स्त्री डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कृष्णा कुमार और लीजियल डिसूजा द्वारा निर्मित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो सचिन जिगर, तनिष्क बागची और उनके अलावा बादशाह गुरु रांगवा द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था, जो गिरिंदर सिगल और उनके अलावा हर्ट जो उपा अध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था फिल्म के सॉन्ग को। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले फिल्म के जितने भी गाने हैं टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था, जो लंदन में आधारित जो है स्ट्रीट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो है प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल को सुनाता है। अब दोस्तों जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो है परिस्थितियों और यहाँ पे कठोर यादों में प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह दोस्तों बता दें मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक जो है हटा दिया गया था। बताया गया था
जो भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम जो है बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक जो है कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ। जो फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, यह रिपोर्ट में बताया गया है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, सह सिंह नरूला वरुण धवन लंदन में स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्त्री डांसर के नेता बन जाते हैं। जब उनके भाई इंदर पुरवा नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं, तब इंदर की चोट के 2 साल बाद जो है यहाँ पे सहज ने एक डांस स्टूडियो खरीदा, जिसके दोस्तों यहाँ पे फंडिंग का स्रोत छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर को इनायत जो है नाजी श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले जो प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप जो है समूह रूल जो है उनके अलावा ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों, इनायत अपने जो है हिप हॉप जो है यहाँ पे जीवन शैली को अपने जो है रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाता है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर अपने जो है अत्याधिक यहाँ पे प्रयुक्त शैली के कारण जो है नियम तोड़ने वालों में से एक हार गया था। इसी तरह दोस्तों आगे देखने को मिलता है प्रतिद्वंदी टीम में राम प्रसाद यानी कि प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें, वहां पे बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई हो जाती है। सभी में पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने के लिए 2 मुख्य पात्रों ने नाटक किया था कि वह प्यार में थे। यहाँ पे दोस्तों बता दे, साहेज ने अपने जो है प्रेमिका मिया को स्त्री डांसर का यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए कहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉयल्स के लिए एक जो है डांसर है जो एक ब्रिटिश डांस टीम है जो ग्राउंड जीरो जो है प्रतियोगिता की मौजूदा जो है चैंपियन है। इसी तरह दोस्तों स्त्री डांसर और यहाँ पे रूल उनके अलावा रूल जो है ब्रेकर्स राम के रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने जाते हैं। वहाँ पे तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है, जिसमें बेहतर स्त्री डांसर जीत जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नृत्य युद्ध के बाद जो है इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरा में बचा हुआ खाना यहाँ पे बगैर अवैध जो है कि अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो है पे पृष्ठभूमि के बेघर जीवित रहने के लिए एक साथ जो है लड़ते हैं, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त नृत्य दल जो है राष्ट्रीय नेता को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते रहते हैं और इस प्रतिक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर जो है पे ढोल वादकों के एक समूह को अवैध रूप से यहाँ पे इंग्लैंड लाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसका जो है मुख्य बिंदु जो है पे ढोल वादकों का यहाँ पे संदिग्ध एजेंट जो है छापरा रखा हुआ, ये भी रिपोर्ट्स में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे सहज को 4 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया, जिसका उपयोग जो है सहज ने स्त्री डांसर के स्टूडियो को खरीदने के लिए किया। इनायत के बारे में हम बात कर ले तो इनायत चाहती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर जो यहाँ पे अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए 1,00,000 पाउंड के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जो है जीते। इसी तरह दोस्तों सहज इंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि स्त्री डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ जो है मिलो तो वह एक यानी कि अजय होंगे, लेकिन दोस्तों यहां पे टीमों ने इनकार कर दिया एक होने से। इसके बाद दोस्तों एक क्लब में नृत्य युद्ध के बाद सहज और स्त्री डांसर के 3 सदस्यों को यानी कि सुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है। राम के रेस्तरा में यहाँ पे अहंकारी सहज यहाँ पे नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करते हैं कि वह अगर यहाँ पे रॉयल के रूप में यहाँ पे अपराजय है, तो इस पर जो है राम ने खुलासा किया था कि वह नृत्य में माहिर है और यहाँ पे नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा होता है। ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद जो है सहज की मुलाकात यहाँ पे अमरिंदर से होता है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड लाने में मदद की थी। इसके बाद दोस्तों बताते यहाँ पे अमरिंदर ने खुलासा किया था कि उनके समूह को यहाँ पे छाबड़ा ने धोखा दिया था और दोस्तों अब वह बेघर जो है अवैध यानी कि अप्रवासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं, जो भारत लौटने पर असमर्थ है। वह यहाँ पे साहेज से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साहेज जो है जिम्मेदारी से इनकार कर देता है वहाँ पे और दोस्तों उसे अकेला छोड़ देता है। रॉयल्स की यहाँ पे सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम जो है सड़क पर बेघर ढोल जो है वादकों का सामना करती है और उनका अपमान भी करती है।
सहज अंत तक अपने जो है कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है किसी तरह और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने जो है यहाँ पे अन्याय किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा, जबकि नियम तोड़ने वाले जो है यहाँ पे खत्मे के करीब होते हैं जो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाते हैं और यहाँ पे रॉयल्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए इस स्ट्रीट डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया था। इसके साथ दोस्तों इनायत की यहाँ पे रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है भाग लेने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सहज ने उन्हें यहाँ पे अस्वस्थ किया था कि हालांकि इनायत की हिप हॉप जो है जीवन शैली और उसके जो है धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जो यहाँ पे असंगत है, लेकिन दोस्तों वह अपने जो है नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह यहाँ पे ईश्वरीय और यहाँ पे नैतिक के रूप में उचित की है। उसके पिता के बारे में हम बात करें तो उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें इस स्ट्रीट डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। इसके वजह से इस स्ट्रीट डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य जो है उनका संगीत बंद कर देता है, जिसकी वजह से इस स्ट्रीट डांसर को रॉयल्स से लगभग जो है हराना ही होगा क्योंकि यहाँ पे ढोल वादक लाइव यहाँ पे संगीत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दोस्तों मार्क को ये पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने संगीत निकाल लिया है और वह अपने टीम के साथी से संगीत जो है वापस रखने के लिए कहता है। इस स्ट्रीट डांसर ने रॉयल्स का सम्मान जो है अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वह ढोल वादकों और सहित जो यहाँ पे बेघर अवैध जो अपरवासियों को घर वापस भेजते हैं, जबकि जो यहाँ पे सहज और इनायत एक रिश्ता दोनों शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन की मच अवेटेड मूवी है जो आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में धवन बाजवा और यहाँ पे खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल जो है कपूर और यहाँ पे फतेही के साथ बाकी टीम के साथ लंदन में शुरू हुआ। मुख्य भूमिका के लिए मूल जो है पसंद कैटरीना कैफ थी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत जो है बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हो गए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें जो यहाँ पे मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग 26 जुलाई 2019 को पूरी हो चुकी थी। फिल्म में वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज किया गया था और यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस स्ट्रीट डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया, जिससे जो है कुल ओपनिंग वीकेंड इस मूवीज का लगभग जो 41 करोड़ था, जो 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86 करोड़ हो गया था और विदेशों में 15 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह इस फिल्म ने किया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें पल्लवी डे यहाँ पे पूर्व गेस्ट था TNA अपडेट के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया गया था। इस स्ट्रीट डांसर 3D की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रतिद्वंदी जो है इनायत श्रद्धा कपूर और सहज जो है वरुण धवन क्रमश दो यहाँ पे पावर हाउस जो है डांस टीमों में शामिल है रूल ब्रेकर्स और यहाँ पे इस स्ट्रीट डांसर के कप्तान है, जो एक दूसरे पर अपना जो यहाँ पे वर्चस्व यहाँ पे साबित करने के लिए दोनों गिरोह एक शीर्ष नृत्य प्रतियोगिता में भिड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन के प्रति उनके व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण में भारी बदलाव आता है। इस स्ट्रीट डांसर 3D रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्वभाव से बेहद जो यहाँ पे घमंडी इनायत जो है जानती है कि उसके पास ये दोनों है और कुछ अलग जो है करने का, जैसा उनके अलावा किलर लुक और यहाँ पे प्रभावशाली डांस मूव्स है और उसे अपने जो है यहाँ पे सदियों पुराने जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए जन्मजात जो हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। आपको बता दें यहाँ पे रास्ता परम नरम और यहाँ पे गला काट के साथ जो प्रतिस्पर्धी सहज है। हालांकि लंदन की सड़कों पर उनका एक जो है यहाँ पे सम्मानजनक प्रशंसक आधार है। ये जोड़ी बहुत गुप्त रूप से नहीं है, लेकिन आपको बता दें हमेशा एक दूसरे को कला के उस रूप में हराना चाहता है जिसके प्रति वह वास्तव में यहाँ पे भावुक है। नृत्य जो दो यानी कि विरोधियों के बीच एक यहाँ पे हानि रहित जो है झगड़ों के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे कहानी दुनिया की सबसे भव्य नृत्य
चुनौतियों में से एक की ओर बढ़ती है, वहीं पे आपस में कुछ जो है बड़ा रूप ले लेती है। आपको बता दें यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक डांस जो है फ्लिक होता है, जो इस 3D डांसर 3D कुशल नर्तकों के एक समूह के नैतिक जो है विकास को भी दर्शाता है, जो मंच पर और यानी कि बड़े जो है नाटकीयता को ये लेता है। इसी तरह दोस्तों मुख्य जोड़ी यानी कि श्रद्धा और वरुण धवन की भव्य और यहाँ पे समान रूप से प्रभावशाली यहाँ पे प्रविष्टियों में रेमो डिसूजा की सिग्नेचर शैली की छाप छोड़ती है। अपनी तीसरी नृत्य आधिकारिक जो है फिल्म को कोरियोग्राफ से लेकर निर्देशक ने यहाँ पे विभिन्न जो है नृत्य रूपों और जैज यानी कि अलावा कंटेम्परेट के साथ जो है एफ्रो क्रोम पर जो है लॉकिंग एंड जो है पॉपिंग का काम किया गया, जो यहाँ पे एनिमेशन जो है टूटिंग अर्बन और यहाँ पे स्लोमे की प्रस्तुत के मामलों में अपने जो है खेल को बेहतर बनाया गया। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया भर से कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है कलाकारों को भी शामिल करने में कामयाबी हासिल की। वास्तव में दोस्तों अपने टॉप यहाँ पे नोट बड़े बाल के साथ जो है प्रचुर मात्रों में सास और यहाँ पे तूतरी ही नृत्यों के साथ जो है मियाँ के रूप में नोरा फतेही काफ़ी आकर्षक लगती है और एक ग्लैम जो है दीवा के आकर्षक को यहाँ पे उजागर करती है, जहाँ पे श्रद्धा और वरुण धवन देसी दिल वाले एनआरआई के आकर्षक जो है प्रतिनिधित्व के अलावा इस जोड़ी ने अपनी जो है मुद्राओं और यहाँ पे समग्र नृत्य जो है गतिविधियों पर जो है लगातार कड़ी मेहनत की है और ये यहाँ पे अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली लोगों के यहाँ पे आदि सोच के घिरे हुए होने के बावजूद जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये चीज़ें जो वास्तविक में काफ़ी शानदार था। इसी तरह दोस्तों बता दें पेशेवर नर्तक श्रद्धा की सीमा रेखा अभिमानी जो है इनायत वरुण धवन की भावुक जो है सहजता का पूरक है, इसकी वजह से VFX भी एक अतिरिक्त जो है लाभ साबित होता है, क्योंकि दोस्तों रेमो ने दर्शकों के लिए हर जो है समय चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए यहां पे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है। फिल्म में डांसर से अभिनेता बने यहाँ पे धर्मेश से युलांडे, पुनीत पाठक और यहाँ पे सलमान, यूसुफ खान और उनके अलावा राघव जुयाल ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं अच्छी तरह से। और इस यानी कि मुख्य पूर्वक कलाकार जो है रेस्तरा मालिक के रूप में यहाँ पे आपको बता दे प्रभु देवा का अभिनय एक जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज है, जो मुकाबला का उनका नया जो यहाँ पे संस्करण पुरानी यादों को ताजा करने में है और देखने लायक बनाता है। हालांकि दोस्तों जो चीज जो है कथा के पक्ष में नहीं है वह पे लंबाई इसे 20 मिनट तक जो है कम किया जाना चाहिए था और ये इस 3D डांसर 3D में डांस सहित जो यहाँ पे मायने में केंद्र में है। लेकिन दोस्तों बता दे बेहतर तीव्र लेखन को यहाँ पे नजरअंदाज करना लगभग जो यहाँ पे असंभव लगता है। एक क्लिप फिल्म एक यहाँ पे अंतर्निहित विषय के साथ जो है शुरू होती है और पूरी तरह से दूसरे के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों दर्शक अपने पहले भाग में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे भाग में निराश हो जाते हैं। सच यह है कि ये एक जो है प्रदर्शन यहाँ पे उन्मुख फिल्म है, लेकिन अगर हर यहाँ पे 5 से 7 जो है मिनट के बाद से ढेर सारे गाने नृत्य अनुक्रम और यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के मजाक डाले जाते हैं तो ये इस शैली के यहाँ पे कतर प्रशंसा के लिए भी ध्यान भटका सकता है, जहाँ पे साथ ही ये फिल्म दर्शकों के एक निश्चित वर्ग की पसंद को पूरा करती है। सामान्य नृत्य प्रेमी और यहाँ पे जो यानी कि बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर शिट देखना पसंद करता है वह काफी शानदार है फिल्म के अंदर। इस 3D डांसर 3D के पास अपने दर्शकों को देने के लिए एक मजबूत संदेश है, विपरीत जो परिस्थितियों में प्यार का उन लोगों के प्रति वरुण का जिन्होंने हम जो है जानते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है लाभ से अधिक जो है दोस्ती के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे एक जो है यहाँ पे संगठित जो है सिनेमाई ताने जो है बाने के साथ जो है जोड़ने में विफल रहे हैं, यदि कहानी के लिए नहीं तो यहाँ पे नृत्य के प्रति प्रेम के लिए इसे देखे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस 3D डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी तरह दोस्तों बता दें श्रद्धा अपने यहाँ पे संबंधित जो है नृत्य मंडलों इस 3D डांसर और यहाँ पे रूल के ब्रेकर्स के कट्टर जो प्रतिद्वंदी है, वो कप्तान है उस टीम की और वो कैसे वो अपने देशों भारत और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीमों का यहाँ पे उत्साहपूर्वक जो है समर्थन करते हैं। भले ही उनमें जो है नृत्य के प्रति जो यहाँ पे जनमाता जुनून है, लेकिन दुनिया की सबसे जो है बड़ी नृत्य लड़ाई ग्राउंड जीरो में एक दूसरे से आगे निकलने की निरंतर इच्छा है। कैसे उनकी दोस्तों यहाँ पे प्रतिद्वंदिता यहाँ पे पृष्ठभूमि में चली जाती है और उन्हें
प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर यहाँ पे नाचने का एक बड़ा यहाँ पे कारण मिलता है। यही कहानी का सार है, चाहे वो कुछ भी हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे अंतर्निहित जो है देशभक्ति की भावना है। भारत और यहाँ पे पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों चरम नृत्य युद्ध में जो यहाँ पे तिरंगा का खेल जो है आपको रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट रूप से इसे जो यहाँ पे गणतंत्रता दिवस पर रिलीज के लिए उपयुक्त बनाना और यहाँ पे निर्माताओं की ओर से एक चतुर कदम था। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि ये फिल्म एक यहाँ पे दृश्यात्मक जो है तमाशा है, चाहे वह यहाँ पे प्रकाश यानी व्यस्त हो या फिर ध्वनि की सांझो डिजाइन हो, उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन हो या फिर जो VFX हो, आपको 3D में यहाँ पे परोसा जाता है फिल्म को। ये सब एक रोमांचक घड़ी बनाता है मूवी में। इसमें कुछ यहाँ पे आश्चर्यजनक चाले हैं जो यहाँ पे फिलिप्स है जो विश्व स्तरीय नृत्य जो प्रदर्शन काफी शानदार है और निर्देशक ने एक ही जो फिल्म में विभिन्न जो है प्रकार के नृत्य रूपों को देखना सराहनीय बनाया है। मुख्य अभिनेताओं वरुण धवन के बारे में हम बात कर ले तो वरुण धवन और श्रद्धा को उन चालों को सही करने के लिए कुछ घंटों का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यदि अलग नहीं देखते हैं तो वह अपने बगल में खड़े जो है पेशेवर नर्तकों से मेल जरूर खाते हैं इस फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों उनकी प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों वरुण धवन की यहाँ पे भावनात्मक और यहाँ पे संतुलित जो है सहजता आपस जो है जोड़ती है, यानी कि आपस से जोड़ती है, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर का नर्तक उनके अंदर के अभिनेता पर जो है जीत हासिल करता है। अतीत में उनके द्वारा की गई कॉमेडी के विपरीत जो है वह स्त्री डांसर में अपने जो है चरित्र फिर अभिनय के साथ जो अति यहाँ पे अति नहीं करती है। दूसरी ओर श्रद्धा यहाँ पे खूबसूरत लग रही है और उन्होंने कुछ जो है कठिन डांस मूव्स और यहाँ पे फ्लिप्स क्रैक किए हैं। हालांकि यहाँ पे अभिनय के मामले में उनके जो है लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जब दोस्तों वह स्क्रीन पर होती है तो आपका जो ध्यान उनकी ओर आकर्षित जरूर होता है। जो बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई थी वह कहा यह है कि रेमो ने अब तक जो है जितने भी यानी कि डांस रियलिटी शो जज किए हैं उनमें जो है पेशेवर जो यहाँ पे डांसर्स पर जो है किस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया वो भी देखने को मिला। वहाँ पुनीत पाठक के बारे में हम बात करें तो धर्मेश यानी केलांडे, सुशांत पुजारी और यहाँ पे सलमान जो है यूसुफ खान, राघव जुयाल और यहाँ पे दुनिया भर के कुछ जो है बेहतरीन नर्तक शामिल है। उनमें से प्रत्येक कहानी का यहाँ पे अंतर्निहित हिस्सा है और जो यानी कि वास्तव में यहाँ पे चमकती वह नोरा फतेही है जो इतनी चतुर जो है कास्टिंग कॉल करती है कि उनकी नृत्य में जो सहजता दिखाया गया वो काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों रेमो को अपने खेल में आगे बढ़ने की अनुमति दिया गया जहाँ पे वह गर्मी ट्रैक वास्तव में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये सरप्राइज जो है पैकेज प्रभु देवा है जो अन्ना भगवान जाने क्यों उनके रूप में एक अलग तरह से काम किए हैं, जो पूर्व कलाकार से रेस्तरा मालिक बने जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली ताकत बन जाते हैं। उन्हें अभिनय करते प्रदर्शन करते और कुछ जो है बेहतरीन डांस मूव्स के साथ जो है अपना यहाँ पे मिडास टच लाते हुए देखना यहाँ पे मन भावक लगता है। और दोस्तों बता दें उनका मुकाबला 2.0 शायद जो है हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन मनोरंजन में से एक हो सकता है, जबकि शानदार नृत्य प्रदर्शन आपको बांध रखता है फिल्म में। आपका ध्यान उस जो है क्षण जो है भटक जाता है जब जो है यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है कथानक और यहाँ पे सामने आती है जो फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आप वही नृत्य देख रहे हैं जिसके लिए आपने 2 घंटे लिए हैं और अच्छे जो पैसे दिए थे। पहले कहानी में इतने जो है सारे सूत्र और उप जो है कथानक है कि अंत में ये सब जो है एक यानी कि उलझी हुई कहानी के रूप में समाप्त होती है। दुर्भाग्य से इस स्त्री डांसर ऐसी शैली नहीं है जिसे जो है देखने में हर किसी को आनंद आए, लेकिन उदाहरण के लिए जिन लोगों को TV पर डांस जो रियलिटी शो बैठने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है और फिल्म उन्हें पूरा नहीं करती और इसलिए ये जो है उस यानी कि अर्थ में कुछ हद तक जो है इसकी पहुंचों को सीमित करती है और फिर जो नृत्य युद्धों को देखने की केवल एक सीमा होती है फिल्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस 3D डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कृष्णा कुमार और लीजियल डिसूजा द्वारा निर्मित किया गया है। जी हाँ फैंस, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे।
साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो सचिन जिगर, तनिष्क बागची और उनके अलावा बादशाह गुरु रांगवा द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। जो गुरिंदर सिगल और उनके अलावा हर्ट जो उपाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था फिल्म के सॉन्ग को। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले फिल्म के जितने भी गाने हैं टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था, जो लंदन में आधारित जो है स्टेट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो है प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल को सुनाता है। अब दोस्तों जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो है परिस्थितियों और यहाँ पे कठोर यादों में प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह दोस्तों बता दें मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक जो है हटा दिया गया था। बताया गया था जो भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम जो है बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक जो है कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ। जो फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, ये रिपोर्ट में बताया गया है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों सह सिंह नरूला वरुण धवन लंदन में स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्त्री डांसर के नेता बन जाते हैं। जब उनके भाई इंदर पुरवा नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं, तब इंदर की चोट के 2 साल बाद जो है यहाँ पे सहज ने एक डांस स्टूडियो खरीदा, जिसके दोस्तों यहाँ पे फंडिंग का स्रोत छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस स्त्री डांसर को इनायत जो है नाजी श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले जो प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप जो है समूह रूल जो है उनके अलावा ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों इनायत अपने जो है हिप हॉप जो है यहाँ पे जीवन शैली को अपने जो है रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाता है, क्योंकि यहाँ पे इस स्त्री डांसर अपने जो है अत्याधिक यहाँ पे प्रयुक्त शैली के कारण जो है नियम तोड़ने वालों में से एक हार गया था। इसी तरह दोस्तों आगे देखने को मिलता है प्रतिद्वंदी टीम में राम प्रसाद यानी कि प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें वहां पे बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई हो जाती है सभी में। पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने के लिए दो मुख्य पात्रों ने नाटक किया था कि वह प्यार में थे। यहाँ पे दोस्तों बता दें साहेज ने अपने जो है प्रेमिका मिया को इस स्त्री डांसर का यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए कहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉयल्स के लिए एक जो है डांसर है जो एक ब्रिटिश डांस टीम है जो ग्राउंड जीरो जो है प्रतियोगिता की मौजूदा जो है चैंपियन है। इसी तरह दोस्तों इस स्त्री डांसर और यहाँ पे रूल उनके अलावा रूल जो है ब्रेकर्स राम के रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने जाते हैं। वहाँ पे तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है जिसमें बेहतर इस स्त्री डांसर जीत जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नृत्य युद्ध के बाद जो है इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरा में बचा हुआ खाना यहाँ पे बगैर अवैध जो है कि अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो है पे पृष्ठभूमि के बेघर जीवित रहने के लिए एक साथ जो है लड़ते हैं, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त नृत्य दल जो है राष्ट्रीयता को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते रहते हैं और इस प्रतिक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर जो है पे ढोल वादकों के एक समूह को अवैध रूप से यहाँ पे इंग्लैंड लाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसका जो है मुख्य बिंदु जो है पे ढोल वादकों का यहाँ पे संदिग्ध एजेंट जो है छापरा रखा हुआ, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे सहज को 4 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया, जिसका उपयोग जो है सहज ने स्त्री डांसर के स्टूडियो को खरीदने के लिए किया। इनायत के बारे में हम बात कर ले तो इनायत चाहती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर जो यहाँ पे अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए 1,00,000 पाउंड के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जो है जीते। इसी तरह दोस्तों सहज इंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि इस स्त्री डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ जो है मिलो तो वह एक यानी कि अजय होंगे, लेकिन दोस्तों यहां पे टीमों ने इनकार कर दिया एक होने से। इसके बाद दोस्तों एक क्लब में नृत्य युद्ध के बाद सहज और स्त्री डांसर के 3 सदस्यों को यानी कि सुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है।
राम की रेस्तरा में यहाँ पे अहंकारी सहज यहाँ पे नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करते हैं कि वह अगर यहाँ पे रॉयल के रूप में यहाँ पे अपराजय है। तो इस पर जो है राम ने खुलासा किया था कि वह नृत्य में माहिर है और यहाँ पे नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा होता है। ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद जो है सहज की मुलाकात यहाँ पे अमरिंदर से होता है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड लाने में मदद की थी। इसके बाद दोस्तों बता दें यहाँ पे अमरिंदर ने खुलासा किया था कि उनके समूह को यहाँ पे छाबड़ा ने धोखा दिया था और दोस्तों अब वह बेघर जो है अवैध जन के अपरावासियों को रूप में अपरावासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं जो भारत लौटने पर असमर्थ है। वह यहाँ पे साहिश से मदद की गुहार लगाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे साहिश जो है जिम्मेदारी से इनकार कर देता है वहाँ पे और दोस्तों उसे अकेला छोड़ देता है। रॉयल्स की यहाँ पे सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम जो है सड़क पर बेघर ढोल जो है वादकों का सामना करती है और उनका अपमान भी करती है। सहज अंत तक अपने जो है कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है किसी तरह और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने जो है यहाँ पे अन्याय किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा, जबकि नियम तोड़ने वाले जो है यहाँ पे खत्मे के करीब होते हैं जो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाते हैं और यहाँ पे रॉयल्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए स्त्री डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया था। इसके साथ दोस्तों इनायत की यहाँ पे रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है भाग लेने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सहज ने उन्हें यहाँ पे अस्वस्थ किया था कि हालांकि इनायत की हिप हॉप जो है जीवन शैली और उसके जो है धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जो यहाँ पे असंगत है, लेकिन दोस्तों वह अपने जो है नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह यहाँ पे ईश्वरीय और यहाँ पे नैतिक के रूप में उचित की है। उसके पिता के बारे में हम बात करें तो उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें स्त्री डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। इसके वजह से स्त्री डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य जो है उनका संगीत बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्त्री डांसर को रॉयल्स से लगभग जो है हराना ही होगा क्योंकि यहाँ पे ढोल वादक लाइव यहाँ पे संगीत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दोस्तों मार्ग को ये पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने संगीत निकाल लिया है और वह अपने टीम के साथी से संगीत जो है वापस रखने के लिए कहता है। इस स्त्री डांसर ने रॉयल्स का सम्मान जो है अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वह ढोल वादकों और सहित जो यहाँ पे बेघर अवैध जो अपरवासियों को घर वापस भेजते हैं, जबकि जो यहाँ पे सहज और इनायत एक रिश्ता दोनों शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस स्त्री डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन की मच अवेटेड मूवी है जो आपको अभी YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में धवन, बाजवा और यहां पे खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल जो है कपूर और यहां पे फतेही के साथ बाकी टीम के साथ लंदन में शुरू हुआ। मुख्य भूमिका के लिए मूल जो है पसंद कैटरीना कैफ थी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत जो है बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हो गए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें जो है यहाँ पे मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग 26 जुलाई 2019 को पूरी हो चुकी थी। फिल्म में वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज किया गया था और यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस स्त्री डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया, जिससे जो है कुल ओपनिंग वीकेंड इस मूवीज का लगभग जो 41 करोड़ था, जो 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86 करोड़ हो गया था और विदेशों में 15 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह इस फिल्म ने किया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें पल्लवी डे यहाँ पे पूर्व गेस्ट था TNA अपडेट के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया गया था। इस स्त्री डांसर 3D की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रतिद्वंदी जो है इनायत श्रद्धा कपूर और सहज जो है वरुण धवन क्रमशः दो यहाँ पे पावर हाउस जो है डांस टीमों में शामिल है। रूल ब्रेकर्स और यहाँ पे इस स्त्री डांसर के
कप्तान है, जो एक दूसरे पर अपना जो यहाँ पे वर्चस्व यानी कि वर्चस्व यहाँ पे साबित करने के लिए दोनों गिरोह एक शीर्ष नृत्य प्रतियोगिता में भिड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन के प्रति उनके व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण में भारी बदलाव आता है। इस 3D डांसर 3D रिव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्वभाव से बेहद जो यहाँ पे घमंडी इनायत जो है जानती है कि उसके पास ये दोनों है और कुछ अलग जो है करने का, जैसा उनके अलावा किलर लुक और यहाँ पे प्रभावशाली डांस मूव्स है। और उसे अपने जो है यहाँ पे सदियों पुराने जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए इन यानी कि जन यहाँ पे जन्म जात हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। आपको बतला दें यहाँ पे रास्ता परम नरम और यहाँ पे गला काट के साथ जो प्रतिस्पर्धी सहज है। हालांकि लंदन की सड़कों पर उनका एक जो यहाँ पे सम्मानजनक प्रशंसक आधार है। ये जोड़ी बहुत गुप्त रूप से नहीं है, लेकिन आपको बता दें हमेशा एक दूसरे को कला के उस रूप में हराना चाहता है जिसके प्रति वह वास्तव में यहाँ पे भावुक है। नृत्य जो दो यानी कि विरोधियों के बीच एक यहाँ पे हानि रहित जो है झगड़ों के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे कहानी दुनिया की सबसे भव्य नृत्य चुनौतियों में से एक की ओर बढ़ती है, वहीं पे आपस में कुछ जो है बड़ा रूप ले लेती है। आपको बतला दें यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक डांस जो है फ्लिक होता है, जो इस 3D डांसर 3D कुशल नर्तकों के एक समूह के नैतिक जो है विकास को भी दर्शाता है, जो मंच पर और यानी कि बड़ी जो है नाटकीयता को ये लेता है। इसी तरह दोस्तों मुख्य जोड़ी यानी कि श्रद्धा और वरुण धवन की भव्य और यहाँ पे समान रूप से प्रभावशाली यहाँ पे प्रविष्टियों में रेमो डिसूजा की सिग्नेचर शैली की छाप छोड़ती है। अपनी तीसरी नृत्य आधिकारिक जो है फिल्म को कोरियोग्राफ से लेकर निर्देशक ने यहाँ पे विभिन्न जो है नृत्य रूपों और जैज यानी कि उनके अलावा कंटेम्परेट के साथ जो है एफ्रो क्रोम पर जो है लॉकिंग एंड जो है पॉपिंग का काम किया गया, जो यहाँ पे एनिमेशन जो है टूटिंग अर्बन और यहाँ पे स्लोमे की प्रस्तुत के मामलों में अपने जो है खेल को बेहतर बनाया गया। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया भर से कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है कलाकारों को भी शामिल करने में कामयाबी हासिल की। वास्तव में दोस्तों अपने टॉप यहाँ पे नोट बड़े बाल के साथ जो है प्रचुर मात्रों में सास और यहाँ पे तूतरी ही नृत्यों के साथ जो है मियाँ के रूप में नोरा फतेही काफी आकर्षक लगती है और एक ग्लैम जो है दीवा के आकर्षक को यहाँ पे उजागर करती है, जहाँ पे श्रद्धा और वरुण धवन देसी दिल वाले एनआरआई के आकर्षक जो है प्रतिनिधित्व के अलावा इस जोड़ी ने अपनी जो है मुद्राओं और यहाँ पे समग्र नृत्य जो है गतिविधियों पर जो है लगातार कड़ी मेहनत की है और ये यहाँ पे अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली लोगों के यहाँ पे आदि सोच के घिरे हुए होने के बावजूद स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये चीजें जो वास्तविक में काफी शानदार था। इसी तरह दोस्तों बता दें पेशेवर नर्तक श्रद्धा की सीमा रेखा अभिमानी जो है इनायत वरुण धवन की भावुक जो है सहजता का पूरक है, जिसकी वजह से VFX भी एक अतिरिक्त जो है लाभ साबित होता है, क्योंकि दोस्तों रेमो ने दर्शकों के लिए हर जो है समय चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए यहां पे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है। फिल्म में डांसर से अभिनेता बने यहाँ पे धर्मेश से युलांडे, पुनीत पाठक और यहाँ पे सलमान, यूसुफ खान और उनके अलावा राघव जुयाल ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं अच्छी तरह से। और इस यानी कि मुख्य पूर्वक कलाकार जो है रेस्तरा मालिक के रूप में यहाँ पे आपको बतला दे प्रभु देवा का अभिनय एक जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज है, जो मुकाबला का उनका नया जो यहाँ पे संस्करण पुरानी यादों को ताजा करने में है और देखने लायक बनाता है। हालांकि दोस्तों जो चीज जो है कथा के पक्ष में नहीं है वह यहाँ पे लंबाई इसे 20 मिनट तक जो है कम किया जाना चाहिए था और ये इस 3D डांसर 3D में डांस सहित जो यहाँ पे मायने में केंद्र में है। लेकिन दोस्तों बता दें बेहतर टिप लेखन को यहाँ पे नजरअंदाज करना लगभग जो यहाँ पे असंभव लगता है। एक के लिए फिल्म एक यहाँ पे अंतर्निहित विषय के साथ जो है शुरू होती है और पूरी तरह से दूसरे के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों दर्शक अपने पहले भाग में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे भाग में निराश हो जाते हैं। सच यह है कि ये एक जो है प्रदर्शन यहाँ पे उन्मुख फिल्म है, लेकिन अगर हर यहाँ पे 5 से 7 जो है मिनट के बाद से ढेर सारे गाने नृत्य अनुक्रम और यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के मजाक डाले जाते हैं तो ये इस शैली के यहाँ पे कतर प्रशंसक के लिए भी ध्यान भटका सकता है। जहाँ पे साथ ही ये फिल्म दर्शकों के एक निश्चित वर्ग की पसंद को पूरा करती है। सामान्य नृत्य प्रेमी और यहाँ पे जो यानी कि बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर शेट देखना पसंद करता है वह काफी शानदार है फिल्म के अंदर। इस 3D डांसर 3D के पास अपने दर्शकों को देने के लिए एक मजबूत संदेश है, विपरीत जो परिस्थितियों में प्यार का उन लोगों के प्रति
वरुण का, जिन्होंने हम जो है जानते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते, और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है लाभ से अधिक जो है दोस्ती के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे एक जो है यहाँ पे संगठित जो है सिनेमाई ताने जो है बाने के साथ जो है जोड़ने में विफल रहे हैं। यदि कहानी के लिए नहीं तो यहाँ पे नृत्य के प्रति प्रेम के लिए इसे देखें और आगे जो है बढ़ने और आगे जो है बढ़ने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस स्त्रीय डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी तरह दोस्तों बता दें, श्रद्धा अपने यहाँ पे संबंधित जो है नृत्य मंडलों स्त्रीय डांसर और यहाँ पे रूल के ब्रेकर्स के कट्टर जो प्रतिद्वंदी है, वो कप्तान है उस टीम की, और वो कैसे वो अपने देशों भारत और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीमों का यहाँ पे उत्साहपूर्वक जो है समर्थन करते हैं। भले ही उनमें जो है नृत्य के प्रति जो यहाँ पे जनमाता जुनून है, लेकिन दुनिया की सबसे जो है बड़ी नृत्य लड़ाई ग्राउंड जीरो में एक दूसरे से आगे निकलने की निरंतर इच्छा है। कैसे उनकी दोस्तों यहाँ पे प्रतिद्वंदिता यहाँ पे पृष्ठभूमि में चली जाती है और उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर यहाँ पे नाचने का एक बड़ा यहाँ पे कारण मिलता है। यही कहानी का सार है, चाहे वह कुछ भी हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे अंतर्निहित जो है देशभक्ति की भावना है। भारत और यहाँ पे पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों चरम नृत्य युद्ध में जो है यहाँ पे तिरंगा का खेल जो है आपको रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट रूप से इसे जो यहाँ पे गणतंत्रता दिवस पर रिलीज के लिए उपयुक्त बनाना और यहाँ पे निर्माताओं की ओर से एक चतुर कदम था। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि ये फिल्म एक जो यहाँ पे दृश्यात्मक जो है तमाशा है, चाहे वह यहाँ पे प्रकाश यानी व्यस्त हो या फिर ढौने की सांझ डिजाइन हो, उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन हो या फिर जो VFX हो, आपको 3D में यहाँ पे परोसा जाता है फिल्म को, ये सब एक रोमांचक घड़ी बनाता है मूवी में। इसमें कुछ यहाँ पे आश्चर्यजनक चाले हैं, जो यहाँ पे फिलिप्स है जो विश्व स्तरीय नृत्य जो प्रदर्शन काफी शानदार है, और निर्देशक ने एक ही जो फिल्म में विभिन्न जो है प्रकार के नृत्य रूपों को देखना सराहनीय बनाया है। मुख्य अभिनेताओं वरुण धवन के बारे में हम बात कर ले तो वरुण धवन और श्रद्धा को उन चालों को सही करने के लिए कुछ घंटों का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यदि अलग नहीं देखते हैं तो वह अपने बगल में खड़े जो है पेशेवर नर्तकों से मेल जरूर खाते हैं इस फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों उनकी प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों वरुण धवन की यहाँ पे भावनात्मक और यहाँ पे संतुलित जो है सहजता आपस जो है जोड़ती है, यानी कि आपस से जोड़ती है, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर का नर्तक उनके अंदर के अभिनेता पर जो है जीत हासिल करता है। अतीत में उनके द्वारा की गई कॉमेडी के विपरीत जो है वह स्त्री डांसर में अपने जो है चरित्र फिर अभिनय के साथ जो है अति यहाँ पे अति नहीं करती है। दूसरी ओर श्रद्धा यहाँ पे खूबसूरत लग रही है और उन्होंने कुछ जो है कठिन डांस मूव्स और यहाँ पे फ्लिप्स क्रैक किए हैं, हालांकि यहाँ पे अभिनय के मामले में उनके जो है लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जब दोस्तों वह स्क्रीन पर होती है तो आपका जो ध्यान उनकी ओर आकर्षित जरूर होता है। जो बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई थी वह कहा यह है कि रेमो ने अब तक जो है जितने भी यानी कि डांस रियलिटी शो जज किए हैं उनमें जो है पेशेवर जो यहाँ पे डांसर्स पर जो है किस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया वो भी देखने को मिला। वहाँ पुनीत पाठक के बारे में हम बात करें तो धर्मेश यानी केलांडे, सुशांत पुजारी और यहाँ पे सलमान जो है यूसुफ खान, राघव जुयाल और यहाँ पे दुनिया भर के कुछ जो है बेहतरीन नर्तक शामिल है। उनमें से प्रत्येक कहानी का यहाँ पे अंतर्निहित हिस्सा है और जो यानी कि वास्तव में यहाँ पे चमकती वह नोरा फतेही है, जो इतनी चतुर जो है कास्टिंग कॉल करती है उनकी नृत्य में जो सहजता दिखाया गया वो काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों रेमो को अपने खेल में आगे बढ़ने की अनुमति दिया गया, जहाँ पे वह गर्मी ट्रैक वास्तव में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये सरप्राइज जो है पैकेज प्रभु देवा है, जो अन्ना भगवान जाने क्यों उनके रूप में एक अलग तरह से काम किए हैं, जो पूर्व कलाकार से रेस्तरा मालिक बने, जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली ताकत बन जाते हैं, उन्हें अभिनय करते प्रदर्शन करते और कुछ जो है बेहतरीन डांस मूव्स के साथ जो है अपना यहाँ पे मिडास टच लाते हुए देखना यहाँ पे मन भावक लगता है। और दोस्तों बता दें उनका मुकाबला 2.0 शायद जो है हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन मनोरंजन में से एक हो सकता है।
जबकि शानदार नृत्य प्रदर्शन आपको बांधे रखता है फिल्म में। आपका ध्यान उस जो है क्षण जो है भटक जाता है जब जो है यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है कथानक और यहाँ पे सामने आती है जो फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आप वही नृत्य देख रहे हैं जिसके लिए आपने 2 घंटे लिए हैं और अच्छे जो पैसे दिए थे। पहले कहानी में इतने जो है सारे सूत्र और उप जो है कथानक है कि अंत में ये सब जो एक यानी कि उलझी हुई कहानी के रूप में समाप्त होती है। दुर्भाग्य से इस रेड डांसर ऐसी शैली नहीं है जिसे जो है देखने में हर किसी को आनंद आए, लेकिन उदाहरण के लिए जिन लोगों को टीवी पर डांस जो रियलिटी शो में जो है बैठने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है, वो फिल्म उन्हें पूरा नहीं करती और इसलिए ये जो है उस यानी कि अर्थ में कुछ हद तक जो है इसकी पहुंचों को सीमित करती है और फिर जो नृत्य युद्धों को देखने की केवल एक सीमा होती है फिल्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस थ्री डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कृष्णा कुमार और लीजियल डिसूजा द्वारा निर्मित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो सचिन जिगर, तनिष बागची और उनके अलावा बादशाह गुरु रांगवा द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था। जो गिरिंदर सिगल और उनके अलावा हर्ट जो उपाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था फिल्म के सॉन्ग को। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले फिल्म के जितने भी गाने हैं टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था। जो लंदन में आधारित जो है स्ट्रीट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो है प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल को सुनाता है। अब दोस्तों जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो है परिस्थितियों और यहाँ पे कठोर यादों में प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह दोस्तों बता दें मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक जो है हटा दिया गया था। बताया गया था जो भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम जो है बदल कर इसके वर्तमान शीर्षक जो है कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ। जो फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था ये रिपोर्ट में बताया गया है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों सह सिंह नरूला वरुण धवन लंदन में स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्त्री डांसर के नेता बन जाते हैं। जब उनके भाई इंदर पुरवा नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं तब इंदर की चोट के 2 साल बाद जो यहाँ पे सहज ने एक डांस स्टूडियो खरीदा जिसके दोस्तों यहाँ पे फंडिंग का सूत्र छिपा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर को इनायत जो है नाजी श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले जो प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप जो समूह रूल जो है उनके अलावा ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों इनायत अपने जो है हिप हॉप जो है यहाँ पे जीवन शैली को अपने जो है रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाता है क्योंकि यहाँ पे इस तरह डांसर अपने जो है अत्याधिक यहाँ पे प्रयुक्त शैली के कारण जो है नियम तोड़ने वालों में से एक हार गया था। इसी तरह दोस्तों आगे देखने को मिलता है प्रतिद्वंदी टीम में राम प्रसाद यानी कि प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें वहां पे बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई हो जाती है। सभी में पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने के लिए 2 मुख्य पात्रों ने नाटक किया था कि वह प्यार में थे। यहाँ पे दोस्तों बता दें साहेज ने अपनी जो है प्रेमिका मिया को इस स्त्रीट डांसर का यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए कहा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉयल्स के लिए एक जो है डांसर है जो एक ब्रिटिश डांस टीम है जो ग्राउंड जीरो जो है प्रतियोगिता की मौजूदा जो है चैंपियन है। इसी तरह दोस्तों इस स्त्री डांसर और यहाँ पे रूल उनके अलावा रूल जो है ब्रेकर्स राम के रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने जाते हैं।
वहाँ पे तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है, जिसमें बेहतर स्त्री डांसर जीत जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नृत्य युद्ध के बाद जो है इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरा में बचा हुआ खाना यहाँ पे बगैर अवैध यानी कि अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो है पे पृष्ठभूमि के बेघर जीवित रहने के लिए एक साथ जो है लड़ते हैं, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त नृत्य दल जो है राष्ट्रीय को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते रहते हैं और इस प्रतिक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर जो है पे ढोल वादकों के एक समूह को अवैध रूप से यहां पे इंग्लैंड लाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसका जो है मुख्य बिंदु जो है पे ढोल वादकों का यहाँ पे संदिग्ध एजेंट जो है छापरा रखा हुआ, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे सहज को 4 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया, जिसका उपयोग जो है सहज ने स्ट्रीट डांसर के स्टूडियो को खरीदने के लिए किया। इनायत के बारे में हम बात कर ले तो इनायत चाहती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर जो यहाँ पे अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए £1,00,000 के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जो है जीते। इसी तरह दोस्तों सहज इंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि स्ट्रीट डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ जो है मिलो तो वह एक यानी कि अजय होंगे, लेकिन दोस्तों यहां पे टीमों ने इनकार कर दिया एक होने से। इसके बाद दोस्तों एक क्लब में नृत्य युद्ध के बाद सहज और स्ट्रीट डांसर के 3 सदस्यों को यानी कि सुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है। राम के रेस्तरा में यहाँ पे अहंकारी सहज यहाँ पे नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करते हैं कि वह अगर यहाँ पे रॉयल के रूप में यहाँ पे अपराजय है, तो इस पर जो है राम ने खुलासा किया था कि वह नृत्य में माहिर है और यहाँ पे नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा होता है। ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद जो है सहज की मुलाकात यहाँ पे अमरिंदर से होता है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड लाने में मदद की थी। इसके बाद दोस्तों बता दें यहाँ पे अमरिंदर ने खुलासा किया था कि उनके समूह को यहाँ पे छाबड़ा ने धोखा दिया था और दोस्तों अब वह बेघर जो है अवैध यानी कि अप्रवासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं, जो भारत लौटने पर असमर्थ है। वह यहाँ पे साहिस से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साहिस जो है जिम्मेदारी से इनकार कर देता है वहाँ पे और दोस्तों उसे अकेला छोड़ देता है। रॉयल्स की यहाँ पे सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम जो है सड़क पर बेघर ढोल जो है वादकों का सामना करती है और उनका अपमान भी करती है। सहज अंत तक अपने जो है कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है किसी तरह और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने जो है यहाँ पे अन्याय किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा, जबकि नियम तोड़ने वाले जो है यहाँ पे खत्मे के करीब होते हैं, जो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाते हैं और यहाँ पे रॉयल्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए स्त्री डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया था। इसके साथ दोस्तों इनायत की यहाँ पे रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है भाग लेने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सहज ने उन्हें यहाँ पे अस्वस्थ किया था कि हालांकि इनायत की हिप हॉप जो है जीवन शैली और उसके जो है धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जो यहाँ पे असंगत है, लेकिन दोस्तों वह अपने जो है नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह यहाँ पे ईश्वरीय और यहाँ पे नैतिक के रूप में उचित की है। उसके पिता के बारे में हम बात कर ले तो उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें स्त्री डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। इसकी वजह से स्त्री डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य जो है उनका संगीत बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्त्री डांसर को रॉयल्स से लगभग जो है हराना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ढोल वादक लाइव यहाँ पे संगीत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दोस्तों मार्ग को ये पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने संगीत निकाल लिया है और वह अपने टीम के साथी से संगीत जो है वापस रखने के लिए कहता है। इस स्त्री डांसर ने रॉयल्स का सम्मान जो है अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वह ढोल वादकों और सहित जो यहाँ पे बेघर अवैध जो अप्रवासियों को घर वापस भेजते हैं, जबकि जो यहाँ पे सहज और इनायत एक रिश्ता दोनों शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस स्त्री डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन की मच अवेटेड मूवी है जो आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है।
इसी तरह दोस्तों फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में धवन, बाजवा और यहाँ पे खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल जो है कपूर और यहाँ पे फतेही के साथ बाकी टीम के साथ लंदन में शुरू हुआ। मुख्य भूमिका के लिए मूल जो है पसंद कैटरीना कैफ थी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत जो है बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हो गए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें जो यहाँ पे मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग 26 जुलाई 2019 को पूरी हो चुकी थी। फिल्म में वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज किया गया था और यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। स्त्री डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया, जिससे जो है कुल ओपनिंग वीकेंड इस मूवीज का लगभग जो 41 करोड़ था, जो 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86 करोड़ हो गया था और विदेशों में 15 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह इस फिल्म ने किया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें पल्लवी डे यहाँ पे पूर्व गेस्ट था। TNA अपडेट के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया गया था। इस स्त्री डांसर 3D की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रतिद्वंदी जो है इनायत श्रद्धा कपूर और सहज जो वरुण धवन क्रमश दो यहाँ पे पावर हाउस जो है डांस टीमों में शामिल है, रूल ब्रेकर्स और यहाँ पे इस स्त्री डांसर के कप्तान है, जो एक दूसरे पर अपना जो यहाँ पे वर्चस्व यानी कि वर्चस्व यहाँ पे साबित करने के लिए दोनों गिरोह एक शीर्ष नृत्य प्रतियोगिता में भिड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन के प्रति उनके व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण में भारी बदलाव आता है। इस स्त्री डांसर 3D रिव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्वभाव से बेहद जो यहाँ पे घमंडी इनायत जो है जानती है कि उसके पास ये दोनों है और कुछ अलग जो है करने का, जैसा उनके अलावा किलर लुक और यहाँ पे प्रभावशाली डांस मूव्स है और उसे अपने जो है यहाँ पे सदियों पुराने जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए इन यानी कि जन यहाँ पे जन्म जात जो हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। आपको बतला दें यहाँ पे रास्ता परम नरम और यहाँ पे गला काट के साथ जो प्रतिस्पर्धी सहज है। हालांकि लंदन की सड़कों पर उनका एक जो है यहाँ पे सम्मानजनक प्रशंसक आधार है। ये जोड़ी बहुत गुप्त रूप से नहीं है, लेकिन आपको बता दें हमेशा एक दूसरे को कला के उस रूप में हराना चाहता है जिसके प्रति वह वास्तव में यहाँ पे भावुक है। नृत्य जो दो यानी कि विरोधियों के बीच एक यहाँ पे हानि रहित जो है झगड़ों के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे कहानी दुनिया की सबसे भव्य नृत्य चुनौतियों में से एक की ओर बढ़ती है, वहीं पे आपस में कुछ जो है बड़ा रूप ले लेती है। आपको बता दें यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक डांस जो है फ्लिक होता है, जो इस स्त्री डांसर 3D कुशल नर्तकों के एक समूह के नैतिक जो है विकास को भी दर्शाता है, जो मंच पर और यानी कि बड़ी जो है नाटकीयता को ये लेता है। इसी तरह दोस्तों मुख्य जोड़ी यानी कि श्रद्धा और वरुण धवन की भव्य और यहाँ पे समान रूप से प्रभावशाली यहाँ पे प्रविष्टियों में रेमो डिसूजा की सिग्नेचर शैली की छाप छोड़ती है। अपनी तीसरी नृत्य अधिकारी जो है फिल्म को कोरियोग्राफ से लेकर निर्देशक ने यहाँ पे विभिन्न जो है नृत्य रूपों और जैज यानी कि उनके अलावा कंटेम्परेट के साथ जो है एफ्रो क्रोम पर जो है लॉकिंग एंड जो है पॉपिंग का काम किया गया, जो यहाँ पे एनिमेशन जो है टूटिंग अर्बन और यहाँ पे स्लोमे की प्रस्तुत के मामलों में अपने जो है खेल को बेहतर बनाया गया। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया भर से कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है कलाकारों को भी शामिल करने में कामयाबी हासिल की। वास्तव में दोस्तों अपने टॉप यहाँ पे नोट बड़े बाल के साथ जो है प्रचुर मात्रों में सास और यहाँ पे तूतरी ही नृत्यों के साथ जो है मियाँ के रूप में नोरा फतेही काफी आकर्षक लगती है और एक ग्लैम जो है दीवा के आकर्षक को यहाँ पे उजागर करती है, जहाँ पे श्रद्धा और वरुण धवन देसी दिल वाले NRI के आकर्षक जो है प्रतिनिधित्व के अलावा इस जोड़ी ने अपनी जो है मुद्राओं और यहाँ पे समग्र नृत्य जो है गतिविधियों पर जो है लगातार कड़ी मेहनत की है और ये यहाँ पे अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली लोगों के यहाँ पे आदि सोच के घिरे हुए होने के बावजूद स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये चीजें जो वास्तविक में काफी शानदार था। इसी तरह दोस्तों बता दें पेशेवर नर्तक श्रद्धा की सीमा रेखा अभिमानी जो है इनायत वरुण धवन की भावुक जो है सहजता का पूरक है। इसके वजह से VFX भी एक अतिरिक्त जो है लाभ साबित होता है, क्योंकि दोस्तों रेमो ने दर्शकों के लिए हर जो है समय चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए यहाँ पे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है। फिल्म में डांसर से अभिनेता बने यहाँ पे धर्मेश से
युलांडे पुनीत पाठक और यहाँ पे सलमान यूसुफ खान और उनके अलावा राघव जुयाल ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं अच्छी तरह से। और इस यानी कि मुख्य पूर्वक कलाकार जो है रेस्तरा मालिक के रूप में यहाँ पे आपको बता दे प्रभु देवा का अभिनय एक जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज है, जो मुकाबला का उनका नया जो यहाँ पे संस्करण पुरानी यादों को ताजा करने में है और देखने लायक बनाता है। हालांकि दोस्तों जो चीज जो है कथा के पक्ष में नहीं है वह यहाँ पे लंबाई इसे 20 मिनट तक जो है कम किया जाना चाहिए था और ये इस 3D डांसर 3D में डांस सहित जो यहाँ पे मायने में केंद्र में है। लेकिन दोस्तों बता दे बेतरतीब लेखन को यहाँ पे नजरअंदाज करना लगभग जो यहाँ पे असंभव लगता है। एक के लिए फिल्म एक यहाँ पे अंतर्निहित विषय के साथ जो है शुरू होती है और पूरी तरह से दूसरे के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों दर्शक अपने पहले भाग में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे भाग में निराश हो जाते हैं। सच यह है कि ये एक जो है प्रदर्शन यहाँ पे उन्मुख फिल्म है, लेकिन अगर हर यहाँ पे 5 से 7 जो है मिनट के बाद से ढेर सारे गाने नृत्य अनुक्रम और यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के मजाक डाले जाते हैं तो ये इस शैली के यहाँ पे कतर प्रशंसा के लिए भी ध्यान भटका सकता है। जहाँ पे साथ ही ये फिल्म दर्शकों के एक निश्चित वर्ग की पसंद को पूरा करती है। सामान्य नृत्य प्रेमी और यहाँ पे जो यानी कि बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर शेट देखना पसंद करता है वह काफी शानदार है फिल्म के अंदर। इस 3D डांसर 3D के पास अपने दर्शकों को देने के लिए एक मजबूत संदेश है। विपरीत जो परिस्थितियों में प्यार का उन लोगों के प्रति वरुण का, जिन्होंने हम जो है जानते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है लाभ से अधिक जो है दोस्ती के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे एक जो है यहाँ पे संगठित जो है सिनेमाई ताने जो है बाने के साथ जो है जोड़ने में विफल रहे हैं। यदि कहानी के लिए नहीं तो यहाँ पे नृत्य के प्रति प्रेम के लिए इसे देखे और आगे जो है बढ़ने और आगे जो है बढ़ने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस 3D डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। दोस्तों ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी तरह दोस्तों बता दें श्रद्धा अपने यहाँ पे संबंधित जो है नृत्य मंडलों इस 3D डांसर और यहाँ पे रूल के ब्रेकर्स के कट्टर जो प्रतिद्वंदी है, वो कप्तान है उस टीम की और वो कैसे वो अपने अपने देशों भारत और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीमों का यहाँ पे उत्साहपूर्वक जो है समर्थन करते हैं। भले ही उनमें जो है नृत्य के प्रति जो यहाँ पे जनमाता जुनून है, लेकिन दुनिया की सबसे जो है बड़ी नृत्य लड़ाई ग्राउंड जीरो में एक दूसरे से आगे निकलने की निरंतर इच्छा है। कैसे उनकी दोस्तों यहाँ पे प्रतिद्वंदिता यहाँ पे पृष्ठभूमि में चली जाती है और उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर यहाँ पे नाचने का एक बड़ा यहाँ पे कारण मिलता है। यही कहानी का सार है चाहे वो कुछ भी हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे अंतर्निहित जो है देशभक्ति की भावना है। भारत और यहाँ पे पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों चरम नृत्य युद्ध में जो यहाँ पे तिरंगा का खेल जो है आपको रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट रूप से इसे जो यहाँ पे गणतंत्रता दिवस पर रिलीज के लिए उपयुक्त बनाना और यहाँ पे निर्माताओं की ओर से एक चतुर कदम था। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि ये फिल्म एक जो यहाँ पे दृश्यात्मक जो है तमाशा है, चाहे वह यहाँ पे प्रकाश यानी व्यस्त हो या फिर ध्वनि के साथ जो डिजाइन हो, उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन हो या फिर जो VFX हो, आपको 3D में यहाँ पे परोसा जाता है फिल्म को, ये सब एक रोमांचक घड़ी बनाता है मूवी में। इसमें कुछ यहाँ पे आश्चर्यजनक चाले हैं, जो यहाँ पे फिलिप्स है जो विश्व स्तरीय नृत्य जो प्रदर्शन काफी शानदार है और निर्देशक ने एक ही जो फिल्म में विभिन्न जो है प्रकार के नृत्य रूपों को देखना सराहनीय बनाया है। मुख्य अभिनेताओं वरुण धवन के बारे में हम बात कर ले तो वरुण धवन और श्रद्धा को उन चालों को सही करने के लिए कुछ घंटों का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यदि अलग नहीं देखते हैं तो वह अपने बगल में खड़े जो है पेशेवर नर्तकों से मेल जरूर खाते हैं इस फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों उनकी प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों वरुण धवन की यहाँ पे भावनात्मक और यहाँ पे संतुलित जो है सहजता आपस जो है जोड़ती है, यानी कि आपस से जोड़ती है, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर का नर्तक उनके अंदर के अभिनेता पर जो है जीत हासिल करता है। अतीत में उनके द्वारा की गई कॉमेडी के विपरीत जो है वह इस 3D डांसर में अपने जो है चरित्र फिर अभिनय के साथ जो है अति नहीं करती है। दूसरी ओर श्रद्धा यहाँ पे खूबसूरत लग रही है और उन्होंने कुछ जो है कठिन डांस मूव्स और यहाँ पे फ्लिप से क्रैक किए हैं। हालांकि यहाँ पे अभिनय के मामले में उनके जो है लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जब दोस्तों वह स्क्रीन पर होती है तो आपका जो है ध्यान उनकी ओर आकर्षित जरूर होता है।
जो बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई थी वह कहा यह है कि रेमो ने अब तक जो है जितने भी यानी कि डांस रियलिटी शो जज किए हैं उनमें जो है पेशेवर जो यहाँ पे डांसर्स पर जो है किस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया वो भी देखने को मिला। वहाँ पुनीत पाठक के बारे में हम बात करें तो धर्मेश यानी केलांडे, सुशांत पुजारी और यहाँ पे सलमान जो है यूसुफ खान, राघव जुयाल और यहाँ पे दुनिया भर के कुछ जो है बेहतरीन नर्तक शामिल है। उनमें से प्रत्येक कहानी का यहाँ पे अंतर्निहित हिस्सा है और जो यानी कि वास्तव में यहाँ पे चमकती वह नोरा फतेही है जो इतनी चतुर जो है कास्टिंग कॉल करती है कि उनके नृत्य में जो सहजता दिखाया गया वो काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों रेमो को अपने खेल में आगे बढ़ने की अनुमति दिया गया जहाँ पे वह गर्मी ट्रैक वास्तव में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये सरप्राइज जो है पैकेज प्रभु देवा है जो अन्ना भगवान जाने क्यों उनके रूप में एक अलग तरह से काम किए हैं, जो पूर्व कलाकार से रेस्तरा मालिक बने, जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली ताकत बन जाते हैं। उन्हें अभिनय करते, प्रदर्शन करते और कुछ जो है बेहतरीन डांस मूव्स के साथ जो है अपना यहाँ पे मिडास टच लाते हुए देखना यहाँ पे मन भावक लगता है। और दोस्तों बता दें उनका मुकाबला 2.0 शायद जो है हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन मनोरंजन में से एक हो सकता है, जबकि शानदार नृत्य प्रदर्शन आपको बांधे रखता है फिल्म में। आपका ध्यान उस जो है क्षण जो है भटक जाता है जब जो है यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है कथानक और यहाँ पे सामने आती है जो फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आप वही नृत्य देख रहे हैं जिसके लिए आपने 2 घंटे लिए हैं और अच्छे जो पैसे दिए थे। पहले कहानी में इतने जो है सारे सूत्र और उप जो है कथानक है कि अंत में ये सब जो एक यानी कि उलझी हुई कहानी के रूप में समाप्त होती है। दुर्भाग्य से इस तरह डांसर ऐसी शैली नहीं है जिसे जो है देखने में हर किसी को आनंद आए, लेकिन उदाहरण के लिए जिन लोगों को टीवी पर डांस जो रियलिटी शो बैठने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है और फिल्म उन्हें पूरा नहीं करती और इसलिए ये जो है उस यानी कि अर्थ में कुछ हद तक जो है इसकी पहुंचों को सीमित करती है और फिर जो नृत्य युद्धों को देखने की केवल एक सीमा होती है फिल्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस 3D Dancer 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कृष्णा कुमार और लीजियल डिसूजा द्वारा निर्मित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो सचिन जिगर, तनिष्क बागची और उनके अलावा बादशाह गुरु रांगवा द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था, जो गिरिंदर सिगल और उनके अलावा हर्ट जो उपाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था फिल्म के सॉन्ग को। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले फिल्म के जितने भी गाने हैं टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था, जो लंदन में आधारित जो है स्टेट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो है प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल को सुनाता है। अब दोस्तों जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो है परिस्थितियों और यहाँ पे कठोर यादों में प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह दोस्तों बता दें मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक जो है हटा दिया गया था। बताया गया था जो भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम जो है बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक जो है कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ, जो फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, ये रिपोर्ट में बताया गया है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों सह सिंह नरूला, वरुण धवन लंदन में स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्त्री डांसर के नेता बन जाते हैं, जब उनके भाई इंदर पुरवा नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं। तब इंदर की चोट के 2 साल बाद जो यहाँ पे सहज ने एक डांस स्टूडियो खरीदा, जिसके दोस्तों यहाँ पे फंडिंग का सूत्र छिपा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर को इनायत जो है
नाजी श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले जो प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप जो है समूह रूल जो है उनके अलावा ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों, इनायत अपने जो है हिप हॉप जो है यहाँ पे जीवन शैली को अपने जो है रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाता है, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रीट डांसर अपने जो है अत्याधिक यहाँ पे प्रयुक्त शैली के कारण जो है नियम तोड़ने वालों में से एक हार गया था। इसी तरह दोस्तों आगे देखने को मिलता है प्रतिद्वंदी टीम में राम प्रसाद यानी कि प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें वहां पे बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई हो जाती है सभी में। पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने के लिए दो मुख्य पात्रों ने नाटक किया था कि वह प्यार में थे। यहाँ पे दोस्तों बता दें साहिद ने अपनी जो है प्रेमिका मिया को इस स्ट्रीट डांसर का यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए कहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉयल्स के लिए एक जो है डांसर है जो एक ब्रिटिश डांस टीम है जो ग्राउंड जीरो जो है प्रतियोगिता की मौजूदा जो है चैंपियन है। इसी तरह दोस्तों इस स्ट्रीट डांसर और यहाँ पे रूल उनके अलावा रूल जो है ब्रेकर्स राम के रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने जाते हैं। वहाँ पे तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है, इसमें बेहतर इस स्ट्रीट डांसर जीत जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नृत्य युद्ध के बाद जो है इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरा में बचा हुआ खाना यहाँ पे बगैर अवैध जो है कि अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो है पे पृष्ठभूमि के बेघर जीवित रहने के लिए एक साथ जो है लड़ते हैं, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त नृत्य दल जो है राष्ट्रीय को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते रहते हैं और इस प्रतिक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर जो है पे ढोल वादकों के एक समूह को अवैध रूप से यहाँ पे इंग्लैंड लाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसका जो है मुख्य बिंदु जो है पे ढोल वादकों का यहाँ पे संदिग्ध एजेंट जो है छापरा रखा हुआ, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे सहज को 4 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया, जिसका उपयोग जो है सहज ने इस तरह डांसर के स्टूडियो को खरीदने के लिए किया। इनायत के बारे में हम बात कर ले तो इनायत चाहती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर जो यहाँ पे अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए 1,00,000 पाउंड के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जो है जीते। इसी तरह दोस्तों सहज इंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि इस तरह डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ जो है मिलो तो वह एक यानी कि अजय होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टीमों ने इनकार कर दिया एक होने से। इसके बाद दोस्तों एक फ्लॉप में नृत्य युद्ध के बाद सहज और इस तरह डांसर के 3 सदस्यों को यानी कि सुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है। राम के रेस्तरा में यहाँ पे अहंकारी सहज यहाँ पे नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करते हैं कि वह अगर यहाँ पे रॉयल के रूप में यहाँ पे अपराजय है, तो इस पर जो है राम ने खुलासा किया था कि वह नृत्य में माहिर है और यहाँ पे नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा होता है। ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद जो है सहज की मुलाकात यहाँ पे अमरिंदर से होता है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड लाने में मदद की थी। इसके बाद दोस्तों बता दें यहाँ पे अमरिंदर ने खुलासा किया था कि उनके समूह को यहाँ पे छाबड़ा ने धोखा दिया था और दोस्तों अब वह बेघर जो है अवैध जन के अप्रवासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं जो भारत लौटने पर असमर्थ है। वह यहाँ पे साहिद से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साहिद जो है जिम्मेदारी से इनकार कर देता है वहाँ पे और दोस्तों उसे अकेला छोड़ देता है। रॉयल्स की यहाँ पे सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम जो है सड़क पर बेघर ढोल जो है वादकों का सामना करती है और उनका अपमान भी करती है। सहज अंत तक अपने जो है कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है किसी तरह और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने जो है यहाँ पे अन्याय किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा, जबकि नियम तोड़ने वाले जो है यहाँ पे खत्मे के करीब होते हैं जो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाते हैं और यहाँ पे रॉयल्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए इस स्ट्रीट डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया था
इसके साथ दोस्तों इनायत की यहाँ पे रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है भाग लेने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सहज ने उन्हें यहाँ पे अस्वस्थ किया था कि हालांकि इनायत की हिप हॉप जो है जीवन शैली और उसके जो है धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जो यहाँ पे असंगत है, लेकिन दोस्तों वह अपने जो है नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह यहाँ पे ईश्वरीय और यहाँ पे नैतिक के रूप में उचित की है। उसके पिता के बारे में हम बात करें तो उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें स्त्री डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। इसके वजह से स्त्री डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य जो है उनका संगीत बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्त्री डांसर को रॉयल्स से लगभग जो है हराना ही होगा क्योंकि यहाँ पे ढोल वादक लाइव यहाँ पे संगीत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दोस्तों मार्क को ये पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने संगीत निकाल लिया है और वह अपने टीम के साथी से संगीत जो है वापस रखने के लिए कहता है। इस स्त्री डांसर ने रॉयल्स का सम्मान जो है अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वह ढोल वादकों और सहित जो यहाँ पे बेघर अवैध जो अप्रवासियों को घर वापस भेजते हैं, जबकि जो यहाँ पे सहज और इनायत एक रिश्ता दोनों शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस स्त्री डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन की मच अवेटेड मूवी है जो आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में धवन, बाजवा और यहाँ पे खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल जो है कपूर और यहाँ पे फतेही के साथ बाकी टीम के साथ लंदन में शुरू हुआ। मुख्य भूमिका के लिए मूल जो है पसंद कैटरीना कैफ थी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत जो है बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हो गए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें जो है यहाँ पे मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग 26 जुलाई 2019 को पूरी हो चुकी थी। फिल्म में वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज किया गया था और यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस स्त्री डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया, जिससे जो है कुल ओपनिंग वीकेंड इस मूवीज का लगभग जो 41 करोड़ था, जो 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86 करोड़ हो गया था और विदेशों में 15 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह इस फिल्म ने किया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें पल्लवी डे यहाँ पे पूर्व गेस्ट था TNA अपडेट के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया गया था। इस स्त्री डांसर 3D की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रतिद्वंदी जो है इनायत श्रद्धा कपूर और सहज जो है वरुण धवन क्रमशः दो यहाँ पे पावर हाउस जो है डांस टीमों में शामिल है, रूल ब्रेकर्स और यहाँ पे इस स्त्री डांसर के कप्तान है, जो एक दूसरे पर अपना जो यहाँ पे वर्चस्व यानी कि वर्चस्व यहाँ पे साबित करने के लिए दोनों गिरोह एक शीर्ष नृत्य प्रतियोगिता में भिड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन के प्रति उनके व्यक्तिगत जो है दृष्टिकोण में भारी बदलाव आता है। इस स्त्री डांसर 3D रिव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्वभाव से बेहद जो यहाँ पे घमंडी इनायत जो है जानती है कि उसके पास ये दोनों है और कुछ अलग जो है करने का, जैसा उनके अलावा किलर लुक और यहाँ पे प्रभावशाली डांस मूव्स है और उसे अपने जो है यहाँ पे सदियों पुराने जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए इन यानी कि जन यहाँ पे जन्म जात जो हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। आपको बता दें यहाँ पे रास्ता परम नरम और यहाँ पे गला काट के साथ जो प्रतिस्पर्धी सहज है। हालांकि लंदन की सड़कों पर उनका एक जो है यहाँ पे सम्मानजनक प्रशंसक आधार है। ये जोड़ी बहुत गुप्त रूप से नहीं है, लेकिन आपको बता दें हमेशा एक दूसरे को कला के उस रूप में हराना चाहता है जिसके प्रति वह वास्तव में यहाँ पे भावुक है। नृत्य जो दो यानी कि विरोधियों के बीच एक यहाँ पे हानि रहित जो है झगड़ों के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे कहानी दुनिया की सबसे भव्य नृत्य चुनौतियों में से एक की ओर बढ़ती है, वहीं पे आपस में कुछ जो है बड़ा रूप ले लेती है। आपको बता दें यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक डांस जो है फ्लिक होता है, जो इस स्त्री डांसर 3D कुशल नर्तकों के एक समूह के नैतिक जो है विकास को भी दर्शाता है, जो मंच पर और यानी कि बड़ी जो है नाटकीयता को ये लेता है।
इसी तरह दोस्तों मुकेश जोड़ी यानी कि श्रद्धा और वरुण धवन की भव्य और यहाँ पे समान रूप से प्रभावशाली यहाँ पे प्रविष्टियों में रेमो डिसूजा की सिग्नेचर शैली की छाप छोड़ती है। अपनी तीसरी नृत्य आधिकारिक जो है फिल्म को कोरियोग्राफ से लेकर निर्देशक ने यहाँ पे विभिन्न जो है नृत्य रूपों और जैज यानी कि उनके अलावा कंटेम्परेट के साथ जो है एफ्रो क्रोम पर जो है लॉकिंग एंड जो है पॉपिंग का काम किया गया, जो यहाँ पे एनिमेशन जो है टूटिंग अर्बन और यहाँ पे स्लोमे की प्रस्तुत के मामलों में अपने जो है खेल को बेहतर बनाया गया। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया भर से कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है कलाकारों को भी शामिल करने में कामयाबी हासिल की। वास्तव में दोस्तों अपने टॉप यहाँ पे नोट बड़े बाल के साथ जो है प्रचुर मात्रों में सास और यहाँ पे तूतरी ही नृत्यों के साथ जो है मियाँ के रूप में नोरा फतेही काफ़ी आकर्षक लगती है और एक ग्लैम जो है दीवा के आकर्षक को यहाँ पे उजागर करती है, जहाँ पे श्रद्धा और वरुण धवन देसी दिल वाले एनआरआई के आकर्षक जो है प्रतिनिधित्व के अलावा इस जोड़ी ने अपनी जो है मुद्राओं और यहाँ पे समग्र नृत्य जो है गतिविधियों पर जो है लगातार कड़ी मेहनत की है और ये यहाँ पे अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली लोगों के यहाँ पे आदि सोच के घिरे हुए होने के बावजूद जो स्क्रीन पर दिखाई देता है ये चीज़ें जो वास्तविक में काफ़ी शानदार था। इसी तरह दोस्तों बता दें पेशेवर नर्तक श्रद्धा की सीमा रेखा अभिमानी जो है इनायत वरुण धवन की भावुक जो है सहजता का पूरक है, इसकी वजह से VFX भी एक अतिरिक्त जो है लाभ साबित होता है, क्योंकि दोस्तों रेमो ने दर्शकों के लिए हर जो है समय चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए यहाँ पे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है। फिल्म में डांसर से अभिनेता बने यहाँ पे धर्मेश से युलांडे, पुनीत पाठक और यहाँ पे सलमान, यूसुफ खान और उनके अलावा राघव जुयाल ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं अच्छी तरह से। और इस यानी कि मुख पूर्व कलाकार जो है रेस्तरा मालिक के रूप में यहाँ पे आपको बता दे प्रभु देवा का अभिनय एक जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज है, जो मुकाबला का उनका नया जो यहाँ पे संस्करण पुरानी यादों को ताजा करने में है और देखने लायक बनाता है। हालांकि दोस्तों जो चीज जो है कथा के पक्ष में नहीं है वह यहाँ पे लंबाई इसे 20 मिनट तक जो है कम किया जाना चाहिए था और ये इस 3D में डांस सहित जो यहाँ पे मायने में केंद्र में है, लेकिन दोस्तों बता दे बेतरतीब लेखन को यहाँ पे नजरअंदाज करना लगभग जो यहाँ पे असंभव लगता है। एक के लिए फिल्म एक यहाँ पे अंतर्निहित विषय के साथ जो है शुरू होती है और पूरी तरह से दूसरे के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों दर्शक अपने पहले भाग में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे भाग में निराश हो जाते हैं। सच यह है कि ये एक जो है प्रदर्शन यहाँ पे उन्मुख फिल्म है, लेकिन अगर हर यहाँ पे 5 से 7 जो है मिनट के बाद से ढेर सारे गाने नृत्य अनुक्रम और यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के मजाक डाले जाते हैं तो ये इस शैली के यहाँ पे कतर प्रशंसक के लिए भी ध्यान भटका सकता है। जहाँ पे साथ ही ये फिल्म दर्शकों के एक निश्चित वर्ग की पसंद को पूरा करती है। सामान्य नृत्य प्रेमी और यहाँ पे जो यानी कि बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर शेट देखना पसंद करता है वह काफी शानदार है। फिल्म के अंदर स्ट्रीट डांसर 3D के पास अपने दर्शकों को देने के लिए एक मजबूत संदेश है, विपरीत जो परिस्थितियों में प्यार का उन लोगों के प्रति, वरुण का जिन्होंने हम जो है जानते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है लाभ से अधिक जो है दोस्ती के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे एक जो है यहाँ पे संगठित जो है सिनेमाई ताने जो है बाने के साथ जो है जोड़ने में विफल रहे हैं। यदि कहानी के लिए नहीं तो यहाँ पे नृत्य के प्रति प्रेम के लिए इसे देखे और आगे जो है बढ़ने और आगे जो है बढ़ने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी तरह दोस्तों बता दें श्रद्धा अपने यहाँ पे संबंधित जो है नृत्य मंडल और स्ट्रीट डांसर और यहाँ पे रूल के ब्रेकर्स के कट्टर जो प्रतिद्वंदी है, वो कप्तान है उस टीम की और वो कैसे वो अपने देशों भारत और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीमों का यहाँ पे उत्साहपूर्वक जो है समर्थन करते हैं। भले ही उनमें जो है नृत्य के प्रति जो यहाँ पे जनमाता जुनून है, लेकिन दुनिया की सबसे जो है बड़ी नृत्य लड़ाई ग्राउंड जीरो में एक दूसरे से आगे निकलने की निरंतर इच्छा है। कैसे उनकी दोस्तों यहाँ पे प्रतिद्वंदिता यहाँ पे पृष्ठभूमि में चली जाती है और उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर यहाँ पे नाचने का एक बड़ा यहाँ पे कारण मिलता है। यही कहानी का सार है चाहे वह कुछ भी हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे अंतर्निहित जो है देशभक्ति की भावना है। भारत और यहाँ पे पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों चरम नृत्य युद्ध में जो यहाँ पे तिरंगा का
खेल जो है आपको रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट रूप से इसे जो यहाँ पे गणतंत्रता दिवस पर रिलीज के लिए उपयुक्त बनाना और यहाँ पे निर्माताओं की ओर से एक चतुर कदम था। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि ये फिल्म एक जो यहाँ पे दृश्यात्मक जो है तमाशा है, चाहे वह यहाँ पे प्रकाश यानी व्यस्त हो या फिर ढोने की साथ जो डिजाइन हो, उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन हो या फिर जो VFX हो, आपको 3D में यहाँ पे परोसा जाता है फिल्म को, ये सब एक रोमांचक घड़ी बनाता है मूवी में। इसमें कुछ यहाँ पे आश्चर्यजनक चाले हैं जो यहाँ पे फिलिप्स है जो विश्व स्तरीय नृत्य जो प्रदर्शन काफी शानदार है और निर्देशक ने एक ही जो फिल्म में विभिन्न जो प्रकार के नृत्य रूपों को देखना सराहनीय बनाया है। मुख्य अभिनेताओं वरुण धवन के बारे में हम बात कर ले तो वरुण धवन और श्रद्धा को उन चालों को सही करने के लिए कुछ घंटों का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यदि अलग नहीं देखते हैं तो वह अपने बगल में खड़े जो है पेशेवर नर्तकों से मेल जरूर खाते हैं इस फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों उनकी प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों वरुण धवन की यहाँ पे भावनात्मक और यहाँ पे संतुलित जो है सहजता आपस जो है जोड़ती है, यानी कि आपस से जोड़ती है, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर का नर्तक उनके अंदर के अभिनेता पर जो है जीत हासिल करता है। अतीत में उनके द्वारा की गई कॉमेडी के विपरीत जो है वह स्त्री डांसर में अपने जो है चरित्र फिर अभिनय के साथ जो है अति यहाँ पे अति नहीं करती है। दूसरी ओर श्रद्धा यहाँ पे खूबसूरत लग रही है और उन्होंने कुछ जो है कठिन डांस मूव्स और यहाँ पे फ्लिप्स क्रैक किए हैं, हालांकि यहाँ पे अभिनय के मामले में उनके जो है लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जब दोस्तों वह स्क्रीन पर होती है तो आपका जो है ध्यान उनकी ओर आकर्षित जरूर होता है। जो बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई थी वह कहा यह है कि रेमो ने अब तक जो है जितने भी इनकी डांस रियलिटी शो जज किए हैं उनमें जो है पेशेवर जो यहाँ पे डांसर्स पर जो है किस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया वो भी देखने को मिला। वहाँ पुनीत पाठक के बारे में हम बात करें तो धर्मेश सेन, केलांडे, सुशांत पुजारी और यहाँ पे सलमान जो है, यूसुफ खान, राघव जुयाल और यहाँ पे दुनिया भर की कुछ जो है बेहतरीन नर्तक शामिल है। उनमें से प्रत्येक कहानी का यहाँ पे अंतर्निहित हिस्सा है और जो यानी कि वास्तव में यहाँ पे चमकती वह नोरा फतेही है जो इतनी चतुर जो है कास्टिंग कॉल करती है, उनके नृत्य में जो सहजता दिखाया गया वो काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों रेमो को अपने खेल में आगे बढ़ने की अनुमति दिया गया जहाँ पे वह गर्मी ट्रैक वास्तव में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये सरप्राइज जो है पैकेज प्रभु देवा है जो अन्ना भगवान जाने क्यों उनके रूप में एक अलग तरह से काम किए हैं, जो पूर्व कलाकार से रेस्तरा मालिक बने, जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली ताकत बन जाते हैं। उन्हें अभिनय करते, प्रदर्शन करते और कुछ जो है बेहतरीन डांस मूव्स के साथ जो है अपना यहाँ पे मिडास टच लाते हुए देखना यहाँ पे मन भावक लगता है। और दोस्तों बता दें उनका मुकाबला 2.0 शायद जो है हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन मनोरंजन में से एक हो सकता है, जबकि शानदार नृत्य प्रदर्शन आपको बांधे रखता है फिल्म में। आपका ध्यान उस जो है क्षण जो है भटक जाता है जब जो है यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है कथानक और यहाँ पे सामने आती है, जो फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आप वही नृत्य देख रहे हैं जिसके लिए आपने 2 घंटे लिए हैं और अच्छे जो पैसे दिए थे। पहले कहानी में इतने जो सारे सूत्र और उप जो कथानक है कि अंत में ये सब जो एक यानी कि उलझी हुई कहानी के रूप में समाप्त होती है। दुर्भाग्य से इस स्त्री डांसर ऐसी शैली नहीं है जिसे जो है देखने में हर किसी को आनंद आए, लेकिन उदाहरण के लिए जिन लोगों को टीवी पर डांस जो रियलिटी शो बैठने के रियलिटी शो में जो है बैठने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है वो फिल्म उन्हें पूरा नहीं करती और इसलिए ये जो है उस यानी कि अर्थ में कुछ हद तक जो है इसकी पहुँचों को सीमित करती है और फिर जो नृत्य युद्धों को देखने की केवल एक सीमा होती है फिल्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस 3D डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कृष्णा कुमार और लीजियल डिसूजा द्वारा निर्मित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो सचिन जिगर, तनिष्क बागची और उनके अलावा बादशाह गुरु रांगवा द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था, जो गिरिंदर सिगल और उनके अलावा हर्ट जो उपाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था फिल्म के सॉन्ग को।
इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, फिल्म के जितने भी गाने हैं टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था, जो लंदन में आधारित जो है स्ट्रीट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो है प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल को सुनाता है। अब दोस्तों जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो है परिस्थितियों और यहाँ पे कठोर यादों में प्रतियोगिता जीतने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह दोस्तों बता दें, मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक जो है हटा दिया गया था, बताया गया था, जो भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम जो है बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक जो है कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ, जो फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, यह रिपोर्ट में बताया गया है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों सह सिंह नरूला वरुण धवन लंदन में स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्त्री डांसर के नेता बन जाते हैं। जब उनके भाई इंदर पुरवा नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं, तब इंदर की चोट के 2 साल बाद जो यहाँ पे सहज ने एक डांस स्टूडियो खरीदा, जिसके दोस्तों यहाँ पे फंडिंग का स्रोत छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर को इनायत जो है नाजी श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले जो प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप जो है समूह रूल जो है उनके अलावा ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों, इनायत अपने जो है हिप हॉप जो है यहाँ पे जीवन शैली को अपने जो है रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाता है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर अपने जो है अत्याधिक यहाँ पे प्रयुक्त शैली के कारण जो है नियम तोड़ने वालों में से एक हार गया था। इसी तरह दोस्तों आगे देखने को मिलता है प्रतिद्वंदी टीम में राम प्रसाद यानी कि प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें वहां पे बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई हो जाती है, सभी में पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने के लिए दो मुख्य पात्रों ने नाटक किया था कि वह प्यार में थे। यहाँ पे दोस्तों बता दें साहिद ने अपने जो है प्रेमिका मिया को स्त्री डांसर का यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए कहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉयल्स के लिए एक जो है डांसर है जो एक ब्रिटिश डांस टीम है जो ग्राउंड जीरो जो है प्रतियोगिता की मौजूदा जो है चैंपियन है। इसी तरह दोस्तों स्त्री डांसर और यहाँ पे रूल उनके अलावा रूल जो है ब्रेकर्स राम के रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने जाते हैं। वहाँ पे तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है, जिसमें बेहतर स्त्री डांसर जीत जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नृत्य युद्ध के बाद जो है इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरा में बचा हुआ खाना यहाँ पे बगैर अवैध जो है कि अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो है पे पृष्ठभूमि के बेघर जीवित रहने के लिए एक साथ जो है लड़ते हैं, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त नृत्य दल जो है राष्ट्रीय एकता को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते रहते हैं और इस प्रतिक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर जो है पे ढोल वादकों के एक समूह को अवैध रूप से यहाँ पे इंग्लैंड लाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसका जो है मुख्य बिंदु जो है पे ढोल वादकों का यहाँ पे संदिग्ध एजेंट जो है छापरा रखा हुआ, यह भी रिपोर्ट्स में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे सहज को 4 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया, जिसका उपयोग जो है सहज ने स्त्री डांसर के स्टूडियो को खरीदने के लिए किया। इनायत के बारे में हम बात कर ले तो इनायत चाहती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर जो यहाँ पे अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए 1,00,000 पाउंड के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जो है जीते। इसी तरह दोस्तों सहज इंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि स्त्री डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ जो है मिलो तो वह एक यानी कि अजय होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टीमों ने इनकार कर दिया एक होने से। इसके बाद दोस्तों एक क्लब में नृत्य युद्ध के बाद सहज और स्त्री डांसर के 3 सदस्यों को यानी कि सुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है। राम के रेस्तरा में यहाँ पे अहंकारी सहज यहाँ पे नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करते हैं कि वह अगर यहाँ पे रॉयल के रूप में यहाँ पे अपराजय है, तो इस पर जो है राम ने खुलासा किया था कि वह नृत्य में माहिर है और यहाँ पे नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा होता है।
ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद जो है सहज की मुलाकात यहाँ पे अमरिंदर से होता है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड लाने में मदद की थी। इसके बाद दोस्तों बताते हैं यहाँ पे अमरिंदर ने खुलासा किया था कि उनके समूह को यहाँ पे छाबड़ा ने धोखा दिया था। और दोस्तों अब वह बेघर जो है अवैध दिन के अपरावासियों को रूप में अपरावासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं जो भारत लौटने पर असमर्थ है। वह यहाँ पे साहिश से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन दोस्त यहाँ पे साहिश जो है जिम्मेदारी से इनकार कर देता है वहाँ पे और दोस्तों उसे अकेला छोड़ देता है। रॉयल्स की यहाँ पे सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम जो है सड़क पर बेघर ढोल जो है वादकों का सामना करती है और उनका अपमान भी करती है। सहज अंत तक अपने जो है कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है किसी तरह और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने जो है यहाँ पे अन्याय किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा। जबकि नियम तोड़ने वाले जो है यहाँ पे खत्मे के करीब होते हैं जो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाते हैं और यहाँ पे रॉयल्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए स्त्रीट डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया था। इसके साथ दोस्तों इनायत की यहाँ पे रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है भाग लेने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सहज ने उन्हें यहाँ पे अस्वस्थ किया था कि हालांकि इनायत की हिप हॉप जो है जीवन शैली और उसके जो है धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जो यहाँ पे असंगत है, लेकिन दोस्तों वह अपने जो है नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह यहाँ पे ईश्वरीय और यहाँ पे नैतिक के रूप में उचित की है। उसके पिता के बारे में हम बात कर ले तो उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें स्त्री डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। इसके वजह से स्त्री डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य जो है उनका संगीत बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्त्री डांसर को रॉयल्स से लगभग जो है हराना ही होगा क्योंकि यहाँ पे ढोल वादक लाइव यहाँ पे संगीत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दोस्तों मार्क को ये पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने संगीत निकाल लिया है और वह अपने टीम के साथी से संगीत जो है वापस रखने के लिए कहता है। इस स्त्री डांसर ने रॉयल्स का सम्मान जो है अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वह ढोल वादकों और सहित जो यहाँ पे बेघर अवैध जो अपरवासियों को घर वापस भेजते हैं, जबकि जो यहाँ पे सहज और इनायत एक रिश्ता दोनों शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस स्त्री डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन की मच अवेटेड मूवी है जो आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में धवन बाजवा और यहाँ पे खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल जो है कपूर और यहाँ पे फतेही के साथ बाकी टीम के साथ लंदन में शुरू हुआ। मुख्य भूमिका के लिए मूल जो है पसंद कैटरीना कैफ थी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत जो है बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हो गए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें जो यहाँ पे मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग 26 जुलाई 2019 को पूरी हो चुकी थी। फिल्म में वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज किया गया था और यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस स्त्री डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया, जिससे जो है कुल ओपनिंग वीकेंड इस मूवीज का लगभग जो 41 करोड़ था, जो 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86 करोड़ हो गया था और विदेशों में 15 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह इस फिल्म ने किया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें पल्लवी डे यहाँ पे पूर्व गेस्ट था TNA अपडेट के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया गया था। इस स्त्री डांसर 3D की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रतिद्वंदी जो है इनायत श्रद्धा कपूर और सहज जो है वरुण धवन क्रमश दो यहाँ पे पावर हाउस जो है डांस टीमों में शामिल है रूल ब्रेकर्स और यहाँ पे इस स्त्री डांसर के कप्तान है, जो एक दूसरे पर अपना जो यहाँ पे वर्चस्व यहाँ पे साबित करने के लिए दोनों गिरोह एक शीर्ष नृत्य प्रतियोगिता में भिड़ते हैं।
लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन के प्रति उनके व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण में भारी बदलाव आता है। इस 3D डांसर 3D रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्वभाव से बेहद जो यहाँ पे घमंडी इनायत जो है जानती है कि उसके पास ये दोनों है और कुछ अलग जो है करने का, जैसा उनके अलावा किलर लुक और यहाँ पे प्रभावशाली डांस मूव्स है। और उसे अपने जो है यहाँ पे सदियों पुराने जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए जन्मजात जो हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। आपको बता दें यहाँ पे रास्ता परम नरम और यहाँ पे गला काट के साथ जो प्रतिस्पर्धी सहज है। हालांकि लंदन की सड़कों पर उनका एक जो है यहाँ पे सम्मानजनक प्रशंसक आधार है। ये जोड़ी बहुत गुप्त रूप से नहीं है, लेकिन आपको बता दें हमेशा एक दूसरे को कला के उस रूप में हराना चाहता है जिसके प्रति वह वास्तव में यहाँ पे भावुक है। नृत्य जो दो यानी कि विरोधियों के बीच एक यहाँ पे हानि रहित जो है झगड़ों के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे कहानी दुनिया की सबसे भव्य नृत्य चुनौतियों में से एक की ओर बढ़ती है, वहीं पे आपस में कुछ जो है बड़ा रूप ले लेती है। आपको बता दें यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक डांस जो है फ्लिक होता है, जो इस 3D डांसर 3D कुशल नर्तकों के एक समूह के नैतिक जो है विकास को भी दर्शाता है, जो मंच पर और यानी कि बड़ी जो है नाटकीयता को ये लेता है। इसी तरह दोस्तों मुख्य जोड़ी यानी कि श्रद्धा और वरुण धवन की भव्य और यहाँ पे समान रूप से प्रभावशाली यहाँ पे प्रविष्टियों में रेमो डिसूजा की सिग्नेचर शैली की छाप छोड़ती है। अपनी तीसरी नृत्य आधिकारिक जो फिल्म को कोरियोग्राफ से लेकर निर्देशक ने यहाँ पे विभिन्न जो है नृत्य रूपों और जैज यानी कि उनके अलावा कंटेम्परेट के साथ जो है एफ्रो क्रोम पर जो है लॉकिंग एंड जो है पॉपिंग का काम किया गया, जो यहाँ पे एनिमेशन जो है टूटिंग अर्बन और यहाँ पे स्लोमे की प्रस्तुत के मामलों में अपने जो है खेल को बेहतर बनाया गया। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया भर से कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है कलाकारों को भी शामिल करने में कामयाबी हासिल की। वास्तव में दोस्तों अपने टॉप यहाँ पे नोट बड़े बाल के साथ जो है प्रचुर मात्रों में सास और यहाँ पे तूतरी ही नृत्यों के साथ जो है मियाँ के रूप में नोरा फतेही काफी आकर्षक लगती है और एक ग्लैम जो है दीवा के आकर्षक को यहाँ पे उजागर करती है। जहाँ पे श्रद्धा और वरुण धवन देसी दिल वाले एनआरआई के आकर्षक जो है प्रतिनिधित्व के अलावा इस जोड़ी ने अपनी जो है मुद्राओं और यहाँ पे समग्र नृत्य जो है गतिविधियों पर जो है लगातार कड़ी मेहनत की है और ये यहाँ पे अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली लोगों के यहाँ पे आदि सोच के घिरे हुए होने के बावजूद जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये चीजें जो वास्तविक में काफी शानदार था। इसी तरह दोस्तों बता दें पेशेवर नर्तक श्रद्धा की सीमा रेखा अभिमानी जो है इनायत वरुण धवन की भावुक जो है सहजता का पूरक है, जिसकी वजह से VFX भी एक अतिरिक्त जो है लाभ साबित होता है। क्योंकि दोस्तों रेमो ने दर्शकों के लिए हर जो है समय चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए यहां पे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है। फिल्म में डांसर से अभिनेता बने यहाँ पे धर्मेश युलांडे, पुनीत पाठक और यहाँ पे सलमान यूसुफ खान और उनके अलावा राघव जुयाल ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं अच्छी तरह से। और इस यानी कि मुख्य पूर्वक कलाकार जो है रेस्तरा मालिक के रूप में यहाँ पे आपको बता दें प्रभु देवा का अभिनय एक जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज है, जो मुकाबला का उनका नया जो यहाँ पे संस्करण पुरानी यादों को ताजा करने में है और देखने लायक बनाता है। हालांकि दोस्तों जो चीज जो है कथा के पक्ष में नहीं है वह यहाँ पे लंबाई, इसे 20 मिनट तक जो है कम किया जाना चाहिए था और ये इस 3D डांसर 3D में डांस सहित जो यहाँ पे मायने में केंद्र में है। लेकिन दोस्तों बता दें बेहतर तीव्र लेखन को यहाँ पे नजरअंदाज करना लगभग जो यहाँ पे असंभव लगता है। एक क्लीन फिल्म एक यहाँ पे अंतर्निहित विषय के साथ जो है शुरू होती है और पूरी तरह से दूसरे के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों दर्शक अपने पहले भाग में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे भाग में निराश हो जाते हैं। सच यह है कि ये एक जो है प्रदर्शन यहाँ पे उन्मुख फिल्म है, लेकिन अगर हर यहाँ पे 5 से 7 जो है मिनट के बाद से ढेर सारे गाने नृत्य अनुक्रम और यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के मजाक डाले जाते हैं तो ये इस शैली के यहाँ पे कतर प्रशंसक के लिए भी ध्यान भटका सकता है। जहाँ पे साथ ही ये फिल्म दर्शकों के एक निश्चित वर्ग की पसंद को पूरा करती है। सामान्य नृत्य प्रेमी और यहाँ पे जो यानी कि बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर स्टेट देखना पसंद करता है वह काफी शानदार है फिल्म के अंदर। इस 3D डांसर 3D के पास अपने दर्शकों को देने के लिए एक मजबूत संदेश है। विपरीत जो परिस्थितियों में प्यार का उन लोगों के प्रति
वरुण का, जिन्होंने हम जो है जानते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते, और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है लाभ से अधिक जो है दोस्ती के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे एक जो है यहाँ पे संगठित जो है सिनेमाई ताने जो है बाने के साथ जो है जोड़ने में विफल रहे हैं, यदि कहानी के लिए नहीं तो यहाँ पे नृत्य के प्रति प्रेम के लिए इसे देखे और आगे जो है बढ़ने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस त्रिय डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। दोस्तों ये फिल्म कौन सा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी तरह दोस्तों बता दें, श्रद्धा अपने यहाँ पे संबंधित जो है नृत्य मंडलो इस त्रिय डांसर और यहाँ पे रूल के ब्रेकर्स के कट्टर जो प्रतिद्वंदी है, वो कप्तान है उस टीम की, और वो कैसे वो अपने देशों भारत और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीमों का यहाँ पे उत्साहपूर्वक जो है समर्थन करते हैं। भले ही उनमें जो है नृत्य के प्रति जो है पे जनमाता जुनून है, लेकिन दुनिया की सबसे जो है बड़ी नृत्य लड़ाई ग्राउंड जीरो में एक दूसरे से आगे निकलने की निरंतर इच्छा है। कैसे उनकी दोस्तों यहाँ पे प्रतिद्वंदिता यहाँ पे पृष्ठभूमि में चली जाती है और उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर यहाँ पे नाचने का एक बड़ा यहाँ पे कारण मिलता है, यही कहानी का सार है, चाहे वह कुछ भी हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे अंतर्निहित जो है देशभक्ति की भावना है। भारत और यहाँ पे पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना, और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों चरम नृत्य युद्ध में जो यहाँ पे तिरंगा का खेल जो है आपको रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट रूप से इसे जो यहाँ पे गणतंत्रता दिवस पर रिलीज के लिए उपयुक्त बनाना और यहाँ पे निर्माताओं की ओर से एक चतुर कदम था। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि ये फिल्म एक जो यहाँ पे दृश्यात्मक जो है तमाशा है, चाहे वह यहाँ पे प्रकाश यानी व्यस्त हो या फिर ध्वनि के साथ जो डिजाइन हो, उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन हो या फिर जो VFX हो, आपको 3D में यहाँ पे परोसा जाता है फिल्म को, ये सब एक रोमांचक घड़ी बनाता है मूवी में। इसमें कुछ यहाँ पे आश्चर्यजनक चाले हैं, जो यहाँ पे फिलिप्स है जो विश्व स्तरीय नृत्य जो प्रदर्शन काफी शानदार है, और निर्देशक ने एक ही जो फिल्म में विभिन्न जो प्रकार के नृत्य रूपों को देखना सराहनीय बनाया है। मुख्य अभिनेताओं वरुण धवन के बारे में हम बात कर ले तो वरुण धवन और श्रद्धा को उन चालों को सही करने के लिए कुछ घंटों का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यदि अलग नहीं देखते हैं तो वह अपने बगल में खड़े जो है पेशेवर नर्तकों से मेल जरूर खाते हैं इस फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों उनकी प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों वरुण धवन की यहाँ पे भावनात्मक और यहाँ पे संतुलित जो है सहजता आपस जो है जोड़ती है, यानी कि आपस से जोड़ती है, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर का नर्तक उनके अंदर के अभिनेता पर जो है जीत हासिल करता है। अतीत में उनके द्वारा की गई कॉमेडी के विपरीत जो है वह स्त्री डांसर में अपने जो है चरित्र फिर अभिनय के साथ जो अति यहाँ पे अति नहीं करती है। दूसरी ओर श्रद्धा यहाँ पे खूबसूरत लग रही है और उन्होंने कुछ जो है कठिन डांस मूव्स और यहाँ पे फ्लिप्स क्रैक किए हैं, हालांकि यहाँ पे अभिनय के मामले में उनके जो है लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जब दोस्तों वह स्क्रीन पर होती है तो आपका जो है ध्यान उनकी ओर आकर्षित जरूर होता है। जो बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई थी वह कहा यह है कि रेमो ने अब तक जो है जितने भी यानी कि डांस रियलिटी शो जज किए हैं उनमें जो है पेशेवर जो यहाँ पे डांसर्स पर जो है किस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया वो भी देखने को मिला। वहाँ पुनीत पाठक के बारे में हम बात करें तो धर्मेश यानी केलांडे, सुशांत पुजारी और यहाँ पे सलमान जो है यूसुफ खान, राघव जुआल और यहाँ पे दुनिया भर के कुछ जो है बेहतरीन नर्तक शामिल है। उनमें से प्रत्येक कहानी का यहाँ पे अंतर्निहित हिस्सा है और जो यानी कि वास्तव में यहाँ पे चमकती वह नोरा फतेही है, जो इतनी चतुर जो है कास्टिंग कॉल करती है कि उनके नृत्य में जो सहजता दिखाया गया वो काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों रेमो को अपने खेल में आगे बढ़ने की अनुमति दिया गया, जहाँ पे वह गर्मी ट्रैक वास्तव में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये सरप्राइज जो है पैकेज प्रभु देवा है, जो अन्ना भगवान जाने क्यों उनके रूप में एक अलग तरह से काम किए हैं, जो पूर्व कलाकार से रेस्तरा मालिक बने, जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली ताकत बन जाते हैं। उन्हें अभिनय करते प्रदर्शन करते और कुछ जो है बेहतरीन डांस मूव्स के साथ जो है अपना यहाँ पे मिडास टच लाते हुए देखना यहाँ पे मन भावक लगता है। और दोस्तों बता दें उनका मुकाबला 2.0 शायद जो है हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन मनोरंजन में से एक हो सकता है।
जबकि शानदार नृत्य प्रदर्शन आपको बाध्य रखता है फिल्म में। आपका ध्यान उस जो है क्षण जो है भटक जाता है जब जो है यहाँ पे पूर्वा नुमानी जो है कथानक और यहाँ पे सामने आती है, जो फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आप वही नृत्य देख रहे हैं जिसके लिए आपने 2 घंटे लिए हैं और अच्छे जो पैसे दिए थे। पहले कहानी में इतने जो है सारे सूत्र और उप जो है कथानक है कि अंत में ये सब जो एक यानी कि उलझी हुई कहानी के रूप में समाप्त होती है। दुर्भाग्य से इस रेड डांसर ऐसी शैली नहीं है जिसे जो है देखने में हर किसी को आनंद आए, लेकिन उदाहरण के लिए जिन लोगों को टीवी पर डांस जो रियलिटी शो में जो है बैठने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है और फिल्म उन्हें पूरा नहीं करती और इसलिए ये जो है उस यानी कि अर्थ में कुछ हद तक जो है इसकी पहुंचों को सीमित करती है और फिर जो नृत्य युद्धों को देखने की केवल एक सीमा होती है फिल्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस थ्री डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार और कृष्णा कुमार और लीजियल डिसूजा द्वारा निर्मित किया गया है। जी हाँ फैंस, इसी के साथ दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और प्रभु देवा अभिनय करते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करें तो सचिन जिगर, तनिष्क बागची और उनके अलावा बादशाह गुरु रांगवा द्वारा फिल्म के गाने को तैयार किया गया था, जो गिरिंदर सिगल और उनके अलावा हर्ट जो उपाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था फिल्म के सॉन्ग को। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले फिल्म के जितने भी गाने हैं टी सीरीज के बैनर तले जारी किया गया था, जो लंदन में आधारित जो है स्ट्रीट डांसर 3D एक भारतीय नृत्य टीम और एक जो है प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी नृत्य टीम के बीच संघर्ष की पड़ताल को सुनाता है। अब दोस्तों जिसके सदस्य अलग अलग इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी नृत्य प्रतियोगिताओं में से एक ग्राउंड जीरो में भाग लेने तक जो है खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न जो परिस्थितियों और यहाँ पे कठोर यादों में प्रतियोगिता जीत निकले एक साथ आते हैं। इसी तरह दोस्तों बता दें मूल रूप से डिज्नी की ABCD2 2015 की अगली कड़ी के रूप में योजना बनाई गई थी और दोस्तों भारतीय फिल्म निर्माता से डिज्नी के बाहर निकलने के कारण फिल्म का शीर्षक जो है हटा दिया गया था बताया गया था, जो भूषण कुमार के निर्माता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद इसका नाम जो है बदलकर इसके वर्तमान शीर्षक जो है कर दिया गया था। फिल्मांकन फरवरी 2019 में पंजाब में शुरू हुआ और बाद में लंदन चला गया और जुलाई 2019 में पूरा हुआ, जो फिल्म 24 जनवरी 2020 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, ये रिपोर्ट में बताया गया है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों सह सिंह नरूला, वरुण धवन लंदन में स्थित भारतीय हिप हॉप समूह स्त्री डांसर के नेता बन जाते हैं, जब उनके भाई इंदर पूर्वा नेता ग्राउंड जीरो नामक एक नृत्य प्रतियोगिता में अपने घुटने को घायल कर लेते हैं। तब इंदर की चोट के 2 साल बाद जो यहाँ पे सहज ने एक डांस स्टूडियो खरीदा, जिसके दोस्तों यहाँ पे फंडिंग का स्रोत छिपा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्त्री डांसर को इनायत जो है नाजी श्रद्धा कपूर के नेतृत्व वाले जो प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप जो है समूह रूल जो है उनके अलावा ब्रेकर्स द्वारा चुनौती दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों इनायत अपनी जो है हिप हॉप जो है यहाँ पे जीवन शैली को अपने जो है रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से छुपाता है क्योंकि यहाँ पे इस स्त्री डांसर अपनी जो है अत्याधिक यहाँ पे प्रयुक्त शैली के कारण जो है नियम तोड़ने वालों में से एक हार गया था। इसी तरह दोस्तों आगे देखने को मिलता है प्रतिद्वंदी टीम में राम प्रसाद यानी कि प्रभु देवा के स्वामित्व वाले एक रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें वहां पे बढ़ते तनाव के परिणाम स्वरूप भोजन की लड़ाई हो जाती है, सभी में पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाने के लिए 2 मुख्य पात्रों ने नाटक किया था कि वह प्यार में थे। यहाँ पे दोस्तों बता दे साहेज ने अपनी जो है प्रेमिका मिया को इस स्त्री डांसर का यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए कहा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉयल्स के लिए एक जो है डांसर है जो एक ब्रिटिश डांस टीम है जो ग्राउंड जीरो जो है प्रतियोगिता की मौजूदा जो है चैंपियन है। इसी तरह दोस्तों इस स्त्री डांसर और यहाँ पे रूल उनके अलावा रूल जो है ब्रेकर्स राम के रेस्तरा में भारत जो है बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने जाते हैं
वहाँ पे तनाव एक नृत्य युद्ध में बदल जाता है जिसमें बेहतर स्त्री डांसर जीत जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नृत्य युद्ध के बाद जो है इनायत को पता चलता है कि राम अपने रेस्तरा में बचा हुआ खाना यहाँ पे बगैर अवैध जो है कि अप्रवासियों को खिलाता है। राम इनायत को दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जो है पे पृष्ठभूमि के बेघर जो है जीवित रहने के लिए एक साथ जो है लड़ते हैं, जबकि विशेष अधिकार प्राप्त नृत्य दल जो है राष्ट्रीयता को लेकर एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते रहते हैं और इस प्रतिक्रिया में भोजन बर्बाद करते हैं। यह पता चलता है कि भारत में एक चचेरे भाई की शादी में भाग लेने के दौरान सहज पर जो है पे ढोल वादकों के एक समूह को अवैध रूप से यहाँ पे इंग्लैंड लाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसका जो है मुख्य बिंदु जो है पे ढोल वादकों का यहाँ पे संदिग्ध एजेंट जो है छापरा रखा हुआ, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों आगे की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे सहज को 4 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया, जिसका उपयोग जो है सहज ने स्त्री डांसर के स्टूडियो को खरीदने के लिए किया। इनायत के बारे में हम बात कर ले तो इनायत चाहती है कि नियम तोड़ने वाले बेघर जो यहाँ पे अप्रवासियों को उनके गृह देशों में वापस लाने के लिए 1,00,000 पाउंड के भव्य पुरस्कार के लिए ग्राउंड जीरो जो है जीते। इसी तरह दोस्तों सहज इंदर के लिए ग्राउंड जीरो जीतना चाहता है। राम कहते हैं कि यदि स्त्री डांसर और रूल ब्रेकर्स एक साथ जो है मिलो तो वह एक यानी कि अजय होंगे, लेकिन दोस्तों यहां पे टीमों ने इनकार कर दिया एक होने से। इसके बाद दोस्तों एक फ्लॉप में नृत्य युद्ध के बाद सहज और स्त्री डांसर के 3 सदस्यों को यानी कि सुशी डी और पोडी को रॉयल्स में भर्ती किया जाता है। राम के रिश्तेदार में यहाँ पे अहंकारी सहज यहाँ पे नियम तोड़ने वालों के सामने दावा करते हैं कि वह अगर यहाँ पे रॉयल के रूप में यहाँ पे अपराजय है, तो इस पर जो है राम ने खुलासा किया था कि वह नृत्य में माहिर है और यहाँ पे नियम तोड़ने वालों को प्रशिक्षित कर रहा होता है। ग्राउंड जीरो के पहले राउंड के बाद जो है सहज की मुलाकात यहाँ पे अमरिंदर से होता है, जो उन ढोल वादकों में से एक है जिन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड लाने में मदद की थी। इसके बाद दोस्तों बता दें यहाँ पे अमरिंदर ने खुलासा किया था कि उनके समूह को यहाँ पे छाबड़ा ने धोखा दिया था और दोस्तों अब वह बेघर जो है अवैध यानी कि अप्रवासियों के रूप में संघर्ष कर रहे हैं जो भारत लौटने पर असमर्थ है। वह यहाँ पे साहिश से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साहिश जो है जिम्मेदारी से इनकार कर देता है वहाँ पे और दोस्तों उसे अकेला छोड़ देता है। रॉयल्स की यहाँ पे सेमीफाइनल लड़ाई के बाद टीम जो है सड़क पर बेघर ढोल जो है वादकों का सामना करती है और उनका अपमान भी करती है। सहज अंत तक अपने जो है कार्यों के परिणामों को स्वीकार करता है किसी तरह और देखता है कि कैसे इनायत के प्रयास उन ढोल वादकों की मदद कर सकते हैं जिनके साथ उसने जो है यहाँ पे अन्याय किया था उनके साथ बहुत ज़्यादा, जबकि नियम तोड़ने वाले जो है यहाँ पे खत्मे के करीब होते हैं जो सहज अपने अपराध के आगे झुक जाते हैं और यहाँ पे रॉयल्स के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में आगे बढ़ने के लिए स्त्री डांसर रूल ब्रेकर्स में शामिल हो गया था। इसके साथ दोस्तों इनायत की यहाँ पे रूढ़िवादी परिवार को पता चलता है कि वह एक नर्तकी है और उसे प्रतियोगिता से मना कर दिया जाता है भाग लेने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सहज ने उन्हें यहाँ पे आश्वस्त किया था कि हालांकि इनायत की हिप हॉप जो है जीवन शैली और उसके जो है धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जो यहाँ पे असंगत है, लेकिन दोस्तों वह अपने जो है नृत्य के माध्यम से दुनिया में जो अच्छा लाती है वह यहाँ पे ईश्वरीय और यहाँ पे नैतिक के रूप में उचित की है। उसके पिता के बारे में हम बात कर ले तो उसके पिता उसे फाइनल में नृत्य करने की अनुमति देते हैं और दोनों टीमें स्त्री डांसर के नाम से प्रतिस्पर्धा करती है। इसके वजह से स्त्री डांसर के प्रदर्शन के दौरान रॉयल्स का एक सदस्य जो है उनका संगीत बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्त्री डांसर को रॉयल्स से लगभग जो है हराना ही होगा क्योंकि यहाँ पे ढोल वादक लाइव यहाँ पे संगीत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि दोस्तों मार्क को ये पता चलता है कि उसकी टीम के एक सदस्य ने संगीत निकाल लिया है और वह अपने टीम के साथी से संगीत जो है वापस रखने के लिए कहता है। इस स्त्री डांसर ने रॉयल्स का सम्मान जो है अर्जित करते हुए प्रतियोगिता जीत ली। पुरस्कार राशि का उपयोग करते हुए वह ढोल वादकों और सही जो यहाँ पे बेघर अवैध जो अप्रवासियों को घर वापस भेजते हैं, जबकि जो यहाँ पे सहज और इनायत एक रिश्ता दोनों शुरू करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस स्त्री डांसर 3D फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। वरुण धवन की मच वेटेड मूवी है जो आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों फिल्म का पहला शेड्यूल पंजाब में
धवन, बाजवा और यहाँ पे खुराना के साथ शूट किया गया था। बाद में दूसरा शेड्यूल जो है कपूर और यहाँ पे फतेही के साथ बाकी टीम के साथ लंदन में शुरू हुआ। मुख्य भूमिका के लिए मूल जो है पसंद कैटरीना कैफ थी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और बहुत जो है बाद में कपूर कलाकारों में शामिल हो गए। शूटिंग के मई शेड्यूल के दौरान उन्हें जो यहाँ पे मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ा था। फिल्म की शूटिंग 26 जुलाई 2019 को पूरी हो चुकी थी। फिल्म में वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई को रिलीज किया गया था और यहाँ पे पोस्टर में दिखाया गया था कि फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस थ्री डांसर 3D ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन किया, जिससे जो है कुल ओपनिंग वीकेंड इस मूवीज का लगभग जो 41 करोड़ था, जो 28 फरवरी 2020 तक भारत में 86 करोड़ हो गया था और विदेशों में 15 करोड़ की कमाई की साथ दुनिया भर में 102 करोड़ का सकल संग्रह इस फिल्म ने किया था। इसी के साथ दोस्तों बता दें पल्लवी डे यहाँ पे पुरस्कार था TNA अपडेट के तरफ से इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया गया था। इस थ्री डांसर 3D की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो प्रतिद्वंदी जो है इनायत श्रद्धा कपूर और सहज जो है वरुण धवन क्रमशः दो यहाँ पे पावर हाउस जो है डांस टीमों में शामिल है रूल ब्रेकर्स और यहाँ पे इस थ्री डांसर के कप्तान है, जो एक दूसरे पर अपना जो यहाँ पे वर्चस्व यानी कि वर्चस्व यहाँ पे साबित करने के लिए दोनों गिरोह एक शीर्ष नृत्य प्रतियोगिता में भिड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन के प्रति उनके व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण में भारी बदलाव आता है। इस थ्री डांसर 3D रिव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्वभाव से बेहद जो यहाँ पे घमंडी इनायत जो है जानती है कि उसके पास ये दोनों है और कुछ अलग जो है करने का, जैसा उनके अलावा किलर लुक और यहाँ पे प्रभावशाली डांस मूव्स है और उसे अपने जो है यहाँ पे सदियों पुराने जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए इन यानी कि जन यहाँ पे जन्म जात हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। आपको बता दें यहाँ पे रास्ता परम नरम और यहाँ पे गला काट के साथ जो प्रतिस्पर्धी सहज है। हालांकि लंदन की सड़कों पर उनका एक जो यहाँ पे सम्मानजनक प्रशंसक आधार है। ये जोड़ी बहुत गुप्त रूप से नहीं है, लेकिन आपको बता दें हमेशा एक दूसरे को कला के उस रूप में हराना चाहता है जिसके प्रति वह वास्तव में यहाँ पे भावुक है। नृत्य जो दो यानी कि विरोधियों के बीच एक यहाँ पे हानि रहित जो है झगड़ों के रूप में शुरू होता है। जैसे जैसे कहानी दुनिया की सबसे भव्य नृत्य चुनौतियों में से एक की ओर बढ़ती है, वहीं पे आपस में कुछ जो है बड़ा रूप ले लेती है। आपको बता दें यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक डांस जो है फ्लिक होता है, जो इस थ्री डांसर 3D कुशल नर्तकों के एक समूह के नैतिक जो है विकास को भी दर्शाता है, जो मंच पर और यानी कि बड़ी जो है नाटकीयता को ये लेता है। इसी तरह दोस्तों मुख्य जोड़ी यानी कि श्रद्धा और वरुण धवन की भव्य और यहाँ पे समान रूप से प्रभावशाली यहाँ पे प्रविष्टियों में रेमो डिसूजा की सिग्नेचर शैली की छाप छोड़ती है। अपनी तीसरी नृत्य आधिकारिक जो है फिल्म को कोरियोग्राफ से लेकर निर्देशक ने यहाँ पे विभिन्न जो है नृत्य रूपों और जैज यानी कि उनके अलावा कंटेम्परेट के साथ जो है एफ्रो क्रोम पर जो है लॉकिंग एंड जो है पॉपिंग का काम किया गया, जो यहाँ पे एनिमेशन जो है टूटिंग अर्बन और यहाँ पे स्लोमे की प्रस्तुत के मामलों में अपने जो है खेल को बेहतर बनाया गया। और यहाँ तक कि दोस्तों दुनिया भर से कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है कलाकारों को भी शामिल करने में कामयाबी हासिल की। वास्तव में दोस्तों अपने टॉप यहाँ पे नोट बड़े बाल के साथ जो है प्रचुर मात्रों में सास और यहाँ पे तूतरी ही नृत्यों के साथ जो है मियाँ के रूप में नोरा फतेही काफी आकर्षक लगती है और एक ग्लैम जो है दीवा के आकर्षक को यहाँ पे उजागर करती है। जहाँ पे श्रद्धा और वरुण धवन देसी दिल वाले एनआरआई के आकर्षक जो है प्रतिनिधित्व के अलावा इस जोड़ी ने अपनी जो है मुद्राओं और यहाँ पे समग्र नृत्य जो है गतिविधियों पर जो है लगातार कड़ी मेहनत की है और ये यहाँ पे अत्यधिक जो है प्रतिभाशाली लोगों के यहाँ पे आदि सोच के घिरे हुए होने के बावजूद स्क्रीन पर दिखाई देता है ये चीजें, जो वास्तविक में काफी शानदार था। इसी तरह दोस्तों बता दें पेशेवर नर्तक श्रद्धा की सीमा रेखा अभिमानी जो है इनायत वरुण धवन की भावुक जो है सहजता का पूरक है। इसकी वजह से VFX भी एक अतिरिक्त जो है लाभ साबित होता है, क्योंकि दोस्तों रेमो ने दर्शकों के लिए हर जो है समय चीजों को रोमांचक बनाए रखने के लिए यहाँ पे प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग किया है फिल्म में।
डांसर से अभिनेता बने यहाँ पे धर्मेश से युलांडे, पुनीत पाठक और यहाँ पे सलमान, यूसुफ खान और उनके अलावा राघव जुयाल ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं अच्छी तरह से। और इस यानी कि मुख्य पूर्वक कलाकार जो है रेस्तरा मालिक के रूप में यहाँ पे आपको बता दें प्रभु देवा का अभिनय एक जो है यहाँ पे सरप्राइजिंग पैकेज है जो मुकाबला का उनका नया जो यहाँ पे संस्करण पुरानी यादों को ताजा करने में है और देखने लायक बनाता है। हालांकि दोस्तों जो चीज जो है कथा के पक्ष में नहीं है वह यहाँ पे लंबाई इसे 20 मिनट तक जो है कम किया जाना चाहिए था और ये इस 3D डांसर 3D में डांस सहित जो यहाँ पे मायने में केंद्र में है। लेकिन दोस्तों बता दे बेहतर तीव लेखन को यहाँ पे नजरअंदाज करना लगभग जो यहाँ पे असंभव लगता है। एक क्लिप फिल्म एक यहाँ पे अंतर्निहित विषय के साथ जो है शुरू होती है और पूरी तरह से दूसरे के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों दर्शक अपने पहले भाग में यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे भाग में निराश हो जाते हैं। सच यह है कि ये एक जो है प्रदर्शन यहाँ पे उन्मुख फिल्म है लेकिन अगर हर यहाँ पे 5 से 7 जो है मिनट के बाद से ढेर सारे गाने नृत्य अनुक्रम और यहाँ पे युद्ध क्षेत्र के मजाक डाले जाते हैं तो ये इस शैली के यहाँ पे कतर प्रशंसक के लिए भी ध्यान भटका सकता है। जहाँ पे साथ ही ये फिल्म दर्शकों के एक निश्चित वर्ग की पसंद को पूरा करती है। सामान्य नृत्य प्रेमी और यहाँ पे जो यानी कि बॉलीवुड फिल्मों में ग्लैमर शेट देखना पसंद करता है वह काफी शानदार है फिल्म के अंदर। इस 3D डांसर 3D के पास अपने दर्शकों को देने के लिए एक मजबूत संदेश है। विपरीत जो परिस्थितियों में प्यार का उन लोगों के प्रति वरुण का जिन्होंने हम जो है जानते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते और यहाँ पे व्यक्तिगत जो है लाभ से अधिक जो है दोस्ती के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे एक जो है यहाँ पे संगठित जो है सिनेमाई ताने जो है बाने के साथ जो है जोड़ने में विफल रहे हैं। यदि कहानी के लिए नहीं तो यहाँ पे नृत्य के प्रति प्रेम के लिए इसे देखें और आगे जो है बढ़ने और आगे जो है बढ़ने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस 3D डांसर 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी तरह दोस्तों बता दें श्रद्धा अपने यहाँ पे संबंधित जो है नृत्य मंडलों इस 3D डांसर और यहाँ पे रूल के ब्रेकर्स के कट्टर जो प्रतिद्वंदी है वो कप्तान है उस टीम की और वो कैसे वो अपने देशों भारत और यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है टीमों का यहाँ पे उत्साहपूर्वक जो है समर्थन करते हैं। भले ही उनमें जो है नृत्य के प्रति जो यहाँ पे जनमाता जुनून है लेकिन दुनिया की सबसे जो है बड़ी नृत्य लड़ाई ग्राउंड जीरो में एक दूसरे से आगे निकलने की निरंतर इच्छा है। कैसे उनकी दोस्तों यहाँ पे प्रतिद्वंदिता यहाँ पे पृष्ठभूमि में चली जाती है और उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्त करने के लिए दिल खोलकर यहाँ पे नाचने का एक बड़ा यहाँ पे कारण मिलता है। यही कहानी का सार है चाहे वह कुछ भी हो। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे अंतर्निहित जो है देशभक्ति की भावना है। भारत और यहाँ पे पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना और यहाँ पे साथ ही साथ दोस्तों चरम नृत्य युद्ध में जो है यहाँ पे तिरंगा का खेल जो है आपको रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट रूप से इसे जो यहाँ पे गणतंत्रता दिवस पर रिलीज के लिए उपयुक्त बनाना और यहाँ पे निर्माताओं की ओर से एक चतुर कदम था। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेश नहीं है कि ये फिल्म एक यहाँ पे दृश्यात्मक जो है तमाशा है चाहे वह यहाँ पे प्रकाश यानी व्यस्त हो या फिर धोनी के साथ जो डिजाइन हो उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन हो या फिर जो VFX हो आपको 3D में यहाँ पे परोसा जाता है फिल्म को। ये सब एक रोमांचक घड़ी बनाता है मूवी में। इसमें कुछ यहाँ पे आश्चर्यजनक चाले हैं जो यहाँ पे फिलिप्स है जो विश्व स्तरीय नृत्य जो प्रदर्शन काफी शानदार है और निर्देशक ने एक ही जो फिल्म में विभिन्न जो प्रकार के नृत्य रूपों को देखना सराहनीय बनाया है। मुख्य अभिनेताओं वरुण धवन के बारे में हम बात कर ले तो वरुण धवन और श्रद्धा को उन चालों को सही करने के लिए कुछ घंटों का अभ्यास करना पड़ता है लेकिन यदि अलग नहीं देखते हैं तो वह अपने बगल में खड़े जो है पेशेवर नर्तकों से मेल जरूर खाते हैं इस फिल्म के अंदर। इसी तरह दोस्तों उनकी प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों वरुण धवन की यहाँ पे भावनात्मक और यहाँ पे संतुलित जो है सहजता आपस जो है जोड़ती है यानी कि आपस से जोड़ती है क्योंकि दोस्तों उनके अंदर का नर्तक उनके अंदर के अभिनेता पर जो है जीत हासिल करता है। अतीत में उनके द्वारा की गई कॉमेडी के विपरीत जो है वह इस 3D डांसर में अपने जो है चरित्र फिर अभिनय के साथ जो है अति यहाँ पे अति नहीं करती है। दूसरी ओर श्रद्धा यहाँ पे खूबसूरत लग रही है और उन्होंने कुछ जो है कठिन डांस मूव्स और यहाँ पे फ्लिप्स क्रैक किए हैं। हालांकि यहाँ पे अभिनय के मामले में उनके जो है लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है लेकिन जब दोस्तों वह स्क्रीन पर होती है तो आपका जो ध्यान उनकी ओर आकर्षित जरूर होता है।
जो बात मुझे विशेष रूप से पसंद आई थी वह कहा यह है कि रेमो ने अब तक जो है जितने भी यानी कि डांस रियलिटी शो जज किए हैं उनमें जो है पेशेवर जो यहाँ पे डांसर्स पर जो है किस तरह से ध्यान केंद्रित किया गया वो भी देखने को मिला। वहाँ पुनीत पाठक के बारे में हम बात करें तो धर्मेश यानी कि यलांडे, सुशांत पुजारी और यहाँ पे सलमान जो है, यूसुफ खान, राघव जुयाल और यहाँ पे दुनिया भर के कुछ जो है बेहतरीन नर्तक शामिल है। उनमें से प्रत्येक कहानी का यहाँ पे अंतर्निहित हिस्सा है और जो यानी कि वास्तव में यहाँ पे चमकती वह नोरा फतेही है जो इतनी चतुर जो है कास्टिंग कॉल करती है कि उनके नृत्य में जो सहजता दिखाया गया वो काफी शानदार है। लेकिन दोस्तों रेमो को अपने खेल में आगे बढ़ने की अनुमति दिया गया जहाँ पे वह गर्मी ट्रैक वास्तव में उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक में से एक माना जाता है। यही वजह है कि ये सरप्राइज जो है पैकेज प्रभु देवा है जो अन्ना भगवान जाने क्यों उनके रूप में एक अलग तरह से काम किए हैं, जो पूर्व कलाकार से रेस्तरा मालिक बने, जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए प्रतिद्वंदियों के बीच में मतभेद पैदा करने वाली ताकत बन जाते हैं, उन्हें अभिनय करते प्रदर्शन करते और कुछ जो है बेहतरीन डांस मूव्स के साथ जो है अपना यहाँ पे मिडास टच लाते हुए देखना यहाँ पे मन भावक लगता है। और दोस्तों बता दें उनका मुकाबला 2.0 शायद जो है हाल के दिनों में सबसे बेहतरीन मनोरंजन में से एक हो सकता है, जबकि शानदार नृत्य प्रदर्शन आपको बांध रखता है फिल्म में। आपका ध्यान उस जो है क्षण जो है भटक जाता है जब जो है यहाँ पे पूर्वानुमानित जो है कथानक और यहाँ पे सामने आती है जो फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ आते हैं कि आपको यकीन नहीं होता कि आप वही नृत्य देख रहे हैं जिसके लिए आपने 2 घंटे लिए हैं और अच्छे जो पैसे दिए थे। पहले कहानी में इतने जो है सारे सूत्र और उप जो है कथानक है कि अंत में ये सब जो एक यानी कि उलझी हुई कहानी के रूप में समाप्त होती है। दुर्भाग्य से इस रेड डांसर ऐसी शैली नहीं है जिसे जो है देखने में हर किसी को आनंद आए, लेकिन उदाहरण के लिए जिन लोगों को टीवी पर डांस जो रियलिटी शो में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है और फिल्म उन्हें पूरा नहीं करती और इसलिए ये जो है उस यानी कि अर्थ में कुछ हद तक जो है इसकी पहुंचों को सीमित करती है और फिर जो नृत्य युद्धों को देखने की केवल एक सीमा होती है फिल्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं इस 3D Dancer 3D फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म को जिसे साल 2020 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस 3D Dancer 3D फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों ये फिल्म आपको अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, इस फिल्म को साल 2020 में ही हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों जब से ये फिल्म रिलीज हुआ है तभी से इस फिल्म को यूट्यूब पर लोग देखने को सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म उनको देखने को नहीं मिलता है और दोस्तों मुझे भी अनुमति नहीं है कि मैं इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूं। अगर आप लोग इस मूवी की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिटेल में बात किया है। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को 24 जनवरी 2020 को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। फिल्म के बजट के बारे में हम बात करें तो 70 करोड़ रुपए लग गए थे फिल्म को बनाने में और इस मूवी ने 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया और दोस्तों ये फिल्म हिट साबित हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।